1.2 है, इस एक्सरसाइज में हम ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंडिकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा क्वेश्चन को मिनिमाइज करने के लिए। ओके, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट नोट कर लो, मैंने इस क्वेश्चन एक्सरसाइज को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, मींस इसमें तीन टाइप के क्वेश्चन है। तीनों टाइप के क्वेश्चन हम सब्स्टिट्यूशन ही यूज करेंगे, बट सब्स्टिट्यूशन यूज करने का मेथड अलग रहेगा। ओके, चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, क्वेश्चन नंबर वन लेता हूं, वहीं से सिखाऊंगा कि कैसे सब्स्टिट्यूशंस करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर वन, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर वन, इसके ऊपर नोट कर लो टाइप वन, ठीक है। अब ये टाइप वन क्यों है मैं बाद में डिस्कस करता हूं, जब मैं टाइप टू बताऊंगा तो बताऊंगा टाइप वन डिफरेंट क्या था। ओके, क्वेश्चन नंबर वन लिया मैंने इसका, आर इज इक्वल टू दिया यहां पे लॉग ऑफ एक्स रेस टू एन अपॉन एक्स डी ऑफ एक्स। अब मुझे यहां पे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस करना है, तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, इसका रूल बहुत ध्यान से सुनो। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलता है किसी एक टर्म को आपको टी पुट करना है, ऐसे टर्म को टी पुट करना है जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में हो। ओके, अब यहां क्वेश्चन में क्लियर नहीं हो रहा कि किसका डेरिवेटिव कौन है, इसके लिए आपको क्वेश्चन को प्रॉपरली सेपरेट आउट करना है। तो यहां देखो, मैं इसको लिखता हूं वन अपॉन एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स रेस टू एन डी ऑफ एक्स। अब शायद आपको क्लिक हो गया रहेगा, सर लॉग एक्स का डेरिवेटिव तो वन बाय एक्स होता है, ठीक। इस एक्सरसाइज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको डेरिवेटिव आना चाहिए, अगर डेरिवेटिव नहीं आता तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन का रूल बोला है किसी एक टर्म को टी पुट करना है जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में हो। तो यहां log x का डेरिवेटिव कितना है, 1 by x है, 1 by x का डेरिवेटिव log x नहीं है, तो हम क्या करेंगे, log x का डेरिवेटिव है तो log x को t पुट करेंगे। तो मैं यहां बोलता हूं कि पुट करो log of your x is equal to t। अब कंसीडर करो, मैंने log x को t से रिप्लेस कर दिया, तो ये तो टर्म t का हो जाएगा, ये टर्म t का हो गया, बट यहां x का टर्म बच गया, ठीक है। तो जब पुट करोगे तो पूरा का पूरा ईच एंड एवरी टर्म t में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए क्या करोगे, log x को t से रिप्लेस हो जाएगा, व्हाट अबाउट dx एंड 1 by x। इसके लिए जब भी आप पुट करोगे तो नीचे एक स्टेप फॉलो करना है, क्या स्टेप रहेगा, आप जो भी पुटअप किया उसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज आपने x वाले टर्म को पुट किया था x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। क्या है डिफरेंशिएशन, 1 upon x, यहां क्या आएगा d by dt ऑफ dx, ठीक है, dt by dx। ओके, मैं यहां पे शिफ्ट करता हूं, 1 upon x dx is equal to dt। अब एक चीज आपको समझ आए, क्या समझ आ रहा है, देखो कि यहां से हमने जब डिफरेंशिएट किया तो मुझे dx को रिप्लेस करने के लिए मिल गया, साथ में ये 1 by x और dx दोनों रिप्लेस हो रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताया था कि ऐसे टर्म को पुट करो t जिसका डेरिवेटिव हो क्वेश्चन में। ऐसा क्यों बोला मैंने, कि जब आप डिफरेंशिएट करोगे आपके सब्स्टिट्यूशंस को तो आपको क्या मिलेगा, dx के साथ में वो टर्म भी रिप्लेस करने के लिए मिल जाएगा जो डेरिवेटिव का टर्म था। आ रहा समझ में, ऐसे टर्म को क्यों पुट कर रहे हैं। ओके, चलो अब सब्स्टिट्यूट करें यहां पे, तो कितना आएगा क्वेश्चन, यहां पे देखो I is equal to इंटीग्रेशन, ये तो हो गया टी रेस टू एन एंड 1 by x dx क्या होगा dt। क्वेश्चन हो गया एकदम सिंपल, आपने ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 में किए रहेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन t रेस टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस c, व्हाट अबाउट t, t तो मेरा क्या है, अब इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया, रिटर्न सब्स्टिट्यूट कर दो रिपुट, तो कितना आएगा ये log of your x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, r is equal to, ये हो गया इंटीग्रेशन सॉल्व। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले अब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को कंफर्म कर लेते हैं कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या हो क्या है। सिंपल, पहला स्टेप ढूंढो कि किसको पुट करना है, और ये ढूंढने के लिए आपके पास एक स्टेटमेंट होना चाहिए, ऐसे टर्म को पुट करना t जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में है। तो लिखो, मैंने पुट किया सर, पुट log x equal to t, जैसे मैंने यहां पे पुट किया log x को पुट किया, तो लिखो किसको पुट कर रहा है, लिखा आपने, फिर ये जो स्टेटमेंट रहेगा इसको डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट करने के बाद आपको ये dx को रिप्लेस करने के लिए टर्म मिल जाएगा। आराम से dx भी रिप्लेस होगा, आपका जो सेकेंड टर्म था वो भी रिप्लेस हो जाएगा dx के साथ, दोनों के दोनों टर्म रिप्लेस हो जाएंगे t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सो आज हम में ठीक, इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, I is equal to integrations of your sine inverse of x raised to 3 by 2 upon under root 1 minus x square dx। ओके,
अगेन चलो सब्टिट्यूशन यूज करेंगे वही स्टेटमेंट। क्वेश्चन को मैं एक दो क्वेश्चन स्लो बता रहा हूं, इसके बाद हम क्या करेंगे क्वेश्चन का स्पीड इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, फटाफट सॉल्व करेंगे। चलो एक बार आपको सिर्फ सब्टिट्यूशन मेथड समझ में आ जाएगा तो हम क्या करेंगे स्पीड इंक्रीज कर लेंगे। ओके यहां पर भी मैं क्या करता हूं इसको दो पार्ट में ब्रेक करता हूं, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स रेस टू थ्री बाय टू डीएक्स। अब आपको समझ आ गया सर किसको पुट करना चाहिए, साइन इनवर्स को बिकॉज उसका डेरिवेटिव यहां पे है, तो लिखे पुट अप करें यहां पे, तो पुट साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, रेस टू थ्री बाय टू लेके नहीं पुट करना बिकॉज बिकॉज सिर्फ डेरिवेटिव किसका है ओनली साइन इनवर्स का है, ठीक है, ये टर्म साइन इनवर्स का डेरिवेटिव लिखा पुट साइन इनवर्स इक्वल टू टी, तो मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए इसको डिफरेंशिएट कर ले सो दैट मुझे डीएक्स रिप्लेस करने के लिए मिल जाए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आएगा इसका डेरिवेटिव वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और यहां क्या आएगा टी का डेरिवेटिव डी टी बाय डी एक्स, शिफ्ट कर ले यहां पे तो आपके पास मिल जाएगा एक टर्म मिल जाएगा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, मिल गया सब। अब चलो पुट करें यहां पे, तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशंस क्या हो जाएगा ये टर्म्स और ये टर्म, तो क्या हो गया डी टी हो गया बचा यहां पे साइन और साइन इनवर्स क्या था आपका टी, तो टी रेस टू थ्री बाय टू एंड डी टी ऐसा हमें नाउ इंटीग्रेट कर ले इसको, तो टी रेस टू थ्री बाय टू प्लस वन अपॉन थ्री बाय टू प्लस वन प्लस सी हो गया इंटीग्रेशन कंप्लीट, सिंप्लीफाई भी कर ले इसको, ये टी रेस टू कितना होगा फाइव बाय टू अपॉन फाइव बाय टू प्लस सी, शिफ्ट कर लेता हूं कितना आ गया 2 अपॉन 5 इनटू t रेस टू 5 बाय 2 प्लस c, दिस इज r, ओके नाउ अब t रिटर्न सब्स्टिट्यूट कर ले व्हिच इज sin इनवर्स, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास r इज इक्वल टू 2 अपॉन 5 इज sin इनवर्स ऑफ x रेस टू 5 बाय 2 प्लस c, ऐसा हमने मेथड समझ में आ रहा है आपको कैसे करना है, ठीक है चलो अगर मेथड क्लिक हो गया अगर आपको अब क्वेश्चन का स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, मैं सिर्फ आपको सोचने के बताऊंगा कि सोचो कि किसको पुट करना चाहिए बस ये हिंट मिल गया इसको पुट करना तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है नोट करो इसको। थर्ड क्वेश्चन आर इज इक्वल टू, मेरे पास क्वेश्चन है यहां पे थर्ड क्वेश्चन आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन प्लस एक्स अपॉन अपॉन योर एक्स इंटू साइन ऑफ योर एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। Okay. इसको ब्रेक करो मैं दो पार्ट्स में, देखो एक हो जाएगा वन प्लस एक्स अपॉन योर एक्स इंटू वन अपॉन साइन ऑफ योर एक्स प्लस लॉग एक्स। अब सोच रहे होगे कि सर आपने ऐसा ही क्यों ब्रेक किया, ओके साइन का इंटीग्रेशन कॉस तो नहीं हो सकता, सॉरी साइन का इंटीग्रेशन वन प्लस एक्स डिवाइड बाय एक्स तो नहीं हो सकता, ठीक है बट ये x प्लस log x का डेरिवेटिव क्या हो सकता है x प्लस 1 डिवाइड बाय x हो सकता है बिकॉज़ log x इक्वल टू 1 बाय x होता है, मतलब ये टर्म का डेरिवेटिव हो सकता है, तो ये टर्म को मैं सेपरेट निकालता हूं, तो ये सिर्फ एंगल तो सेपरेट होगा ना साइन को लेके सेपरेट होगा इसलिए मैंने इसको सेपरेट किया, ठीक है तो अब मुझे पुट किसको करना चाहिए, ऐसा लग रहा है कि शायद इसका डेरिवेटिव ये हो सकता है, क्यों देखो x का डेरिवेटिव 1 log x इक्वल 1 बाय x मतलब ये पूरे टर्म का डेरिवेटिव आएगा 1 प्लस 1 बाय x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके साथ ये बन जाएगा, ठीक है चलो तो पुट करो यहां पे, तो पुट योर x प्लस 1 सॉरी x प्लस योर log ऑफ x इज इक्वल टू t, क्या है डेरिवेटिव इसका x का 1 एंड log x का 1 अपॉन x इज इक्वल टू कितना आएगा dt बाय dx, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन योर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x साथ में dx भी शिफ्ट कर दो यहां पे इज इक्वल टू कितना हो गया dt, कर सकते हो रिप्लेस बना दिया यहां पे तो कर लो रिप्लेसमेंट, क्या आएगा यहां पे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन से ये पूरा टर्म क्या हो गया ये और ये dt हो गया बचा कितना आपके पास यहां पे 1 अपॉन दिस इज द sin ऑफ t एंड dt, ओके 1 बाय sin t इज नथिंग बट योर cosec t dt इंटीग्रेशन ऑफ cosec t log ऑफ cosec t माइनस cot t, ठीक है ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है हो गया रिटर्न सब्स्टिट्यूट करके क्या है आपके पास t का वैल्यू x plus log x, तो मेरे पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा therefore फाइनल आंसर इज log of cosec of your x plus your log of x minus cot of x plus your log of x plus c, this is the final answer, okay
सबरूसन में तो समझ आ रहा है, दिस इज टाइप वन क्वेश्चंस जिसमें पुट करना है, जिसका ऐसे टर्म को पुट करना है जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में रहे, ठीक है। चलो नोट कर लो, ये क्वेश्चन नंबर 4, आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ योर एक्स इनटू योर x square अपॉन अंडर रूट ऑफ योर tan ऑफ क्यूब x square dm ऑफ x। ना अब इस क्वेश्चन में दिख रहा है आपको, क्लियर कट दिख रहा है सर, tan का डेरिवेटिव तो sec square होता है, ऊपर है sec square, तो किसको पुट करना चाहिए, tan को पुट करना चाहिए। tan क्यूब का डेरिवेटिव नहीं होता, tan क्यूब का डेरिवेटिव 3 into tan square into sec square होता है, तो हम किसको पुट करेंगे, ओनली tan को पुट करेंगे। चलो तो पुट करें यहां पे, तो पुट tan of your x square is equal to t, x square उसका एंगल है तो लेना पड़ेगा, तो डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, देयरफॉर योर sec square x square into your x square into 2x is equal to dt by dx, ठीक है, डिफरेंशिएट किया मैंने, अब फिर लिख लिया करो यहां पे कि सर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, आपको भूल जाओ तो यहां पे लिख लो कि हम क्या कर रहे हैं, यहां पे इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। क्या आएगा tan का डेरिवेटिव आएगा sec square x square into एंगल का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x is equal to dt by dx, ओके। ये twice of x into sec square x square हो गया यहाँ पे, is equal और dx को भी शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, dx is equal to dt, ठीक है, याद रखा है। अब मेरे पास है क्या, x into sec square dx है, ये 2 नहीं है ना, तो 2 को शिफ्ट करता हूँ, x into sec square x square dx is equal to dt by 2, ओके बस याद रखिए, आप जो टर्म शिफ्ट करोगे, ये टर्म जो एक्स्ट्रा टर्म आपके पास नहीं है वो नंबर होना चाहिए, तो आप नंबर को शिफ्ट करोगे, अदरवाइज अगर एक्स का टर्म शिफ्ट करोगे तो पुट ऑफ में एक्स टर्म रह जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। चलो सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे, तो आएगा आपके पास आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया अंडर रूट, कितना आ गया ये टी क्यू, और ये हो गया डी टी बाय 2, ठीक है। तो डिवाइड बाय 2 शिफ्ट कर लो, 1 बाय 2 इन टू इस 1 अपॉन कितना होगा t रेशो, ये 3 बाय 2 हो गया एंड dt। नाउ क्या आएगा इंटीग्रेशन से, 1 अपॉन 2 ये हो गया t रेशो माइनस 3 बाय 2 प्लस सॉरी माइनस 3 बाय 2 dt, अब इंटीग्रेट करो इसको, क्या आएगा इंटीग्रेशन इसका, 1 अपॉन 2 t रेशो माइनस 3 बाय 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 बाय 2 प्लस 1 प्लस c, हो गया इंटीग्रेट, सिंपलीफाई करो इसको, इस 1 अपॉन ये होगा t रेस टू आई थिंक ये माइनस हाफ अपॉन माइनस हाफ माइनस हाफ एंड हाफ कैंसल, तो आपके पास बचेगा कितना, आर इज इक्वल टू t रेस टू माइनस हाफ प्लस सी, ये हो गया माइनस 1 अपॉन t रेस टू प्लस हाफ इज अ थिंग माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ t प्लस सी, एज इट इज, हो गया सॉल्यूशंस, इंटीग्रेशन फाइनली हो गया। अब इसमें रिटर्न सब्स्टिट्यूट कर ले, क्या था आपके पास t का वैल्यू 10, तो r इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट इज द tan ऑफ योर x स्क्वायर प्लस c, दिस इज द फाइनल आंसर, ओके। मेथड समझ में आ गया, बस ढूंढना है क्या क्वेश्चंस में कि सब्स्टिट्यूट किसको करें, ऐसे टर्म को पुट करो, मेरा अंदर से आवाज क्या आना चाहिए, सर मैं कैसे सॉल्व करूं, किस टर्म को पुट करो, तो अंदर से आवाज आना चाहिए, ऐसे टर्म को पुट करो जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में है, और आपका दिमाग फिर ढूंढने में लग जाए कि किसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में है, ठीक है। क्वेश्चन को देखने का थोड़ा नजरिया बदलो, ठीक है, फटाक से क्वेश्चन देखा, हाँ इसको पुट किया तो इसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में है, ये वाला फटाक से क्लिक होना चाहिए, अगर ये क्लिक हो रहा है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन दिया है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेज टू 3x अपॉन ई रेज टू 3x प्लस 1 d of x, ओके। इस क्वेश्चंस में e रेस्ट टू का डेरिवेटिव e रेस्ट टू होता है, e रेस्ट टू 3x का डेरिवेटिव ऑफ कोर्स क्या आएगा, e रेस्ट टू 3x आएगा, ऊपर है e रेस्ट टू 3x, तो मैं यहां पे पुट किसको करता हूं, पुट e रेस्ट टू 3x, ओनली e रेस्ट टू 3x को पुट किया तो भी डेरिवेटिव e रेस्ट टू 3x आएगा, प्लस 1 को भी पुट किया तो भी वही आएगा, बिकॉज 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो ट्राई करो मैक्सिमम टर्म को पुट करने के लिए, तो मैंने पुट किया, डिफरेंशिएट कर ले इसको, डिफरेंशिएट With respect to your x, ठीक, ये statement बोर्ड में लिखना इंपॉर्टेंस है, ठीक है,
कितना आएगा e रेस टू 3x का, e रेस टू 3x इनटू 3x का 3 एंड 1 का कितना होगा 0 प्लस कितना आएगा dt by dx। ओके तो यहां आ गया आपके पास 3 टाइम e रेस टू 3x dx शिफ्ट कर लो और यहां से आ गया dt। मुझे 3 नहीं चाहिए बिकॉज़ 3 नहीं है, मैं 3 को वहां शिफ्ट करता हूं। तो e रेस टू 3x dx इज इक्वल टू dt by 3। ओके स्टार्ट कर सबट्रैक्शंस। तो आपके पास आ गया r is equal to e raise to 3x dx कितना होगा dt by 3। तो ऊपर लिखता 1 और नीचे साइड में लिखता यहां पे dt by 3, नीचे कितना होगा t हो गया। ओके ये डिवाइड बाय 3 बाहर 1 by 3 into 1 by t dt, 1 by t का इंटीग्रेशन log t। ओके तो ये हो गया आपके पास log of t plus c। ओके हो गया इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, रिटर्न सब्स्टिट्यूट कर लो वैल्यू कितना आपके पास ये था आपके पास इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। देयरफॉर मेरे पास फाइनल आंसर आ गया r is equal to 1 by 2 log of कितना ये t e raise to 3x plus 1 plus c। ईच एंड एवरी क्वेश्चन में मैं वही प्रोसेस अप्लाई कर रहा हूं। पहले क्या कर रहा हूं सब्स्टिट्यूशन ढूंढ रहा हूं, फिर सब्स्टिट्यूशन करके क्या करूंगा वहां पे इंटीग्रेशन सॉल्व किया बाद में रिटर्न रिटर्न रिसब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। चलो क्लियर है ना। ठीक है ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, नोट कर लो उसको। क्वेश्चन नंबर 6 r इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यहां दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इनटू a रेस टू x प्लस योर tan इनवर्स ऑफ x d ऑफ x। ठीक अब इस क्वेश्चंस में आप सोचो किसको पुट करना चाहिए यहां पे tan इनवर्स। ओके इन सब का डेरिवेटिव तो tan इनवर्स नहीं हो सकता ठीक है, बट इसका डेरिवेटिव x प्लस tan इनवर्स का डेरिवेटिव ये हो सकता है। ठीक है अब इसके लिए ओरली एक्चुअली डेरिवेटिव को थोड़ा सा ओरली एडजस्ट करो। ध्यान से x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, tan इनवर्स का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 अपॉन 1 x स्क्वायर, 1 प्लस 1 1 x स्क्वायर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो शायद ये आ सकता है। ट्राई कर लेते हैं देखो आएगा कि नहीं आता है। तो पुट करो यहां पे पुट योर x प्लस tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू t। क्लियर चलो करें डिफरेंशिएट इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू योर x t। x का 1 tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू dt by dx। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को भी आएगा 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू dt by dx। कितना हो गया ये 1 प्लस 1 2 मिस आ गया x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन इसको भी लिखता मैं x स्क्वायर प्लस 1 इनटू dx शिफ्ट करता dx इज इक्वल टू dt सेट सेम आ गया ऑफ कोर्स सेम आ गया। ठीक है ना अब सब्स्टिट्यूट कर ले यहां पे तो देयरफॉर r इज इक्वल टू ये क्या हुआ ये पूरा टर्म्स और ये dx क्या हो गया dt बचा क्या आपके पास सिर्फ a रेस टू एंड उसके रेस टू भी कितना आएगा t एंड dt। अब ये इंटीग्रेशन आपका आता है व्हिच इज ये दिस आर एक्सपोनेंशियल टर्म्स तो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन a रेस टू t अपॉन कितना होता है log ऑफ a प्लस c दिस इज r इक्वल टू। क्लियर समझ में हो गया इंटीग्रेशन कंप्लीट। Therefore, final resubstitute कर ले. What is the t? X plus tan inverse. ये हो गया a raised to x plus tan inverse x upon this log of a plus c. This is the final answer. Clear? चलो. Question number 6 हम आए. ठीक है. Note को इस question को. फिर आते हैं हम next question पे. Next question number 7. I is equal to integration e raise to x into log of sine of e raise to x upon tan of e raise to x d of x। ओके अब यहां पे किसको पुट करें अब ध्यान से देखो मेरे पास तीन टर्म दिख रहा है एक log of sine of e raise to x है एक e raise to x और एक tan of e raise to x है तो किसको पुट करना चाहिए अगर मैं log को डिफरेंशिएट कर तो क्या आएगा log का डिफरेंशिएशन आएगा 1 by sin एंड sin का डेरिवेटिव कितना आएगा cos आएगा तो कितना आएगा sin upon cos। ठीक है tan 1 हो सकता है बट यहां पे tan है देखो तो मुझे पुट किसको करना चाहिए log को पुट करना चाहिए tan को पुट करोगे तो log तो नहीं आएगा आ रहा कौन समझ। तो इस तरह से जज करने की कोशिश करो कि किसको पुट करें तो यहां पे देखो अब ओरली क्रॉस चेक करो अब एक टर्म दिख रहा है log दूसरा टर्म दिख रहा है tan तीसरा टर्म दिख रहा है e raise to x अब तीन टर्म आ गए तो अपोज दो टर्म क्या हुआ डेरिवेटिव में चला जाएगा बचेगा एक टर्म। तो
तो अगर मैं log को पुट किया तो log का डेरिवेटिव क्या हो सकता है, 1 अपॉन sin into again derivative of sin cos, sin upon cos या cos upon sin something tan के आसपास आ रहा है, बट tan को पुट किया तो क्या होगा, log तो नहीं आएगा, तो हमें किसको पुट करना चाहिए, log को पुट करना चाहिए। चलो तो सब्स्टिट्यूट करो log को, तो लिखो यहां पे पुट log ऑफ योर sin ऑफ e रेज टू x इज इक्वल टू t, देयरफॉर इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1 अपॉन sin ऑफ e रेज टू x, साइन का रेट फिर से कितना आएगा, कॉस ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू एंगल का रेट कितना आएगा, ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। डेरिवेटिव आपको आता है, मैं ऐसा कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है, हम डेरिवेटिव नहीं सिखा रहे हैं, ठीक। चलो कॉस अपॉन साइन कितना हो गया यहां पे, कॉट, तो ये हो गया कॉट ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ओके, मेरे पास कॉट नहीं, मेरे पास टैन, तो मैं इसको शिफ्ट कर देता हूं, 1 बाय कॉट, सॉरी कॉट कितना होगा 1 बाय 10, तो ये होगा आपके पास e रेस टू x अपॉन कितना होगा, ये tan ऑफ e रेस टू x dx शिफ्ट कर दिया यहां पे इज इक्वल टू dt, हो गया सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट, मिल गया यहां पे ये टर्म्स, ये टर्म और dx दोनों का टर्म क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, देखो अभी i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, आपके पास क्या बचा, sec t बचा, क्योंकि log ऑफ sin को आपने t बोला हुआ है, और ये और ये तीनों मिलके क्या बन गया, dt। क्वेश्चन बहुत ही इजी हो गया, मैंने आपको बताया था पहले ही कि सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन को मिनिमाइज करेगा, यहां तो बहुत ज्यादा मिनिमाइज कर लेगा, सिर्फ t बचा, ठीक है। अगर प्रॉपर स्टेप में इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो इंटीग्रेशन इजीली सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज इसको बनाया है न्यूटन ने, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, दिस इज i इक्वल टू, नाउ सब्स्टिट्यूट कर ले फिर i इज इक्वल टू t कितना था log ऑफ, तो कितना होगा log ऑफ योर sin ऑफ e रेस टू x d होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, दिस इज द फाइनल आंसर, क्लियर। चलो नोट करो इसको, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ योर साइन रेस टू 4x इनटू कॉस क्यूब ऑफ x dx। ओके, मैंने क्वेश्चन नंबर 8 छोड़ दिया जो मैं टाइप 2 में, मतलब टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 तीन कैटेगरी में डिवाइड किया मैंने एक्सरसाइज, तो क्वेश्चन नंबर 8 को मैं टाइप 2 में कंसीडर करूंगा, ठीक है, इसको मार्क करके रखा हूं। नाउ अब इस क्वेश्चन में अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में करते हैं, पहले सिंपल था, इस टर्म का डेरिवेटिव आपको डायरेक्टली मिल रहा था, यहां पे अब नहीं मिल रहा है, फिर भी मैं जिद कर रहा हूं, मुझे सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व करना है तो कर सकता हूं मैं, ठीक है। अब कैसे, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आपको करना ही है सॉल्व तो सब्स्टिट्यूशन से, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करो, क्या एडजस्टमेंट करो, इस पूरे टर्म में साइन को पुट करोगे तो उसका डेरिवेटिव ओनली कॉस होना चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, ये साइन रेस टू 4 ऐसे छोड़ देता हूं, साइन रेस टू 4 छोड़ दिया एंड इसको लिखता हूं मैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, अब ये कॉस को साइन बना सकते हैं, तो क्या है देखो, इंटीग्रेशन ये हो गया साइन रेस टू 4 एक्स, ये हो गया 1 माइनस योर साइन, ये भी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कितना है कॉस ऑफ एक्स डी एक्स। अब मैं साइन को टी पुट करूंगा तो ये भी साइन रिप्लेस होगा, ये भी रिप्लेस होगा, साइन का रूट कितना था कॉस होता है, तो कॉस डीएक्स क्या हो जाएगा, डीटी बन जाएगा। अरे कौन समझ, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है सर आपने साइन के साथ कॉस के साथ ऐसा किया, ब्रेक किया, ठीक है, तो साइन ने क्या गुना किया, इसके साथ क्यों नहीं किया आपने, ध्यान से देखो, अगर मैं साइन को रिप्लेस कॉस बनाने की कोशिश करूं तो मुझे साइन स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, तो यहां पर दो साइन स्क्वायर होगा, दोनों साइन स्क्वायर किसमें करना होगा, कॉस स्क्वायर में, सिर्फ कॉस ही बचेगा ना, अरे कौन समय, बट यहां पर अगर मैंने इसको ब्रेक किया तो एक कॉस स्क्वायर बनेगा और एक कॉस बनेगा, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, साइन में, तो मेरे पास ये टर्म साइन का होगा और एक कॉस बचेगा, एंड साइन को अगर ऐसा किया तो क्या था, दोनों पे दोनों साइन किसमें, कॉस में कन्वर्ट आता था, और सब्स्टिट्यूशन के लिए आपके क्या होता था, डेरिवेटिव के लिए कॉस बचता ही नहीं, सॉरी साइन बचता ही नहीं था, अरे समझ में, ठीक है। चलो अब पुट करें यहां, तो मैं पुट करता हूं, पुट योर साइन ऑफ योर एक्स इज इक्वल टू टी, देयरफॉर इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, कॉस ऑफ एक्स, और यहां आएगा डी टी बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, हो सकता है सब्स्टिट्यूशन क्या है मैं, देयरफॉर हो सकता है सर मेरे पास आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हो गया पहला टी रेस टू 4,
ब्रैकेट में 1 माइनस कितना होगा t स्क्वायर एंड cos x dx कितना हो गया dt। अब ये तो बेसिक इंटीग्रेशन है, आपको आता सॉल्व करने, फिर भी मैं सॉल्व कर लेता हूं। t रेस्ट टू 4 माइनस t रेस्ट टू 6 इनटू dt, तो ये आ गया t रेस्ट टू 5/5 माइनस t रेस्ट टू 7/7 प्लस c। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट t, t कितना है sin x, तो सब्स्टिट्यूट कर ले, मेरे पास देयरफॉर मेरे पास फाइनल आंसर आ गया r is equal to sin 5 रेस्ट 5x sin रेस्ट टू 5x अपॉन 5 माइनस sin रेस्ट टू 7 ऑफ x अपॉन 7 प्लस c। दिस इज आंसर, आ रहा समझ में? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन से स्ट्रेटजी कैसा रहेगा, अगर आपको सीखना है सब्स्टिट्यूशन, अब क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं आया तो फिर वीडियो प्ले करके चेक करो कि कहां पे रॉन्ग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट से ट्राई करो ऐसे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो नोट करो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करो वीडियो पॉज करके, नहीं आया तो चेक करो कहां पे गलती हो रही है। ठीक है, नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चंस, i इज इक्वल टू 1 अपॉन 4x प्लस 5x रेस्ट टू माइनस 11 d ऑफ x। ओके, ट्राई करो क्वेश्चन, वीडियो पॉज करो पहले ट्राई करो, नहीं आया तो फिर वीडियो प्ले करके देखना। सिर्फ वीडियो में से देख के कॉपी करने की कोशिश मत करो। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं, आप सॉल्व करते रहो, कॉपी करोगे तो असाइनमेंट लिखने जैसा हो जाएगा और इंडिकेशन आएगा ही नहीं आपको, और इंडिकेशन नहीं आया तो न्यूटन सर नाराज हो जाएंगे। ओके, कर लिया रहेगा आपने। अब देखो मैं क्या करता हूं, पहले इसको सिंप्लीफाई करता हूं। इस 1 अपॉन ये होगा 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x रेस टू 11 dx, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूं, तो कितना आएगा ये 4x रेस्ट टू 12 प्लस 5 अपॉन x रेस्ट टू 11 1 अपॉन dx, शिफ्ट करूं ऊपर कितना हो गया, यहां पे ऊपर आएगा x रेस्ट टू 11, नीचे कितना आएगा 4 * x रेस्ट टू 12 प्लस 5 dx। क्या डिफिकल्ट हो गया क्वेश्चंस? डिफिकल्ट नहीं है, अब पुट करोगे तो डेरिवेटिव होना चाहिए इसी टर्म्स, यहां पे तो एक ही टर्म दिख रहा है। तो या देखो, जब भी ना इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हो पावर नेगेटिव में आए तो उसको पॉजिटिव में लाने की कोशिश करो। ठीक है, चलो अब समझ में आ गया कि मैं डिनोमिनेटर को t पुट किया तो उसका डेरिवेटिव x रेस टू 11 आने वाला है, तो कर ले सब्स्टिट्यूशंस। तो यहां कितना आएगा, पुट 4x रेस टू 11 प्लस 5 इज इक्वल टू t, क्या आएगा डिफरेंशिएशन, ये आएगा 4, 11 आ गया इतना का 44 * सॉरी 12 रेस टू 12 है ना, सॉरी सॉरी रेस टू 12, तो कितना होगा ये 48x रेस्ट टू 11 प्लस 0 इज इक्वल टू ये होगा dt बाय dx, तो 48x रेस्ट टू 11 dx इक्वल टू dt। क्वेश्चन नंबर 48 नहीं है तो 48 को शिफ्ट कर लो यहां पे, तो x रेस्ट टू 11 dx इज इक्वल टू dt अपॉन 48। चलो सब्स्टिट्यूट करें यहां पे, तो देयरफॉर मेरे पास आएगा 5 i इज इक्वल टू ये चला गया dt, तो ये आएगा 1 अपॉन t dt by 48, okay, 1 by 48 बाहर and 1 by t का integration log of t plus c। ठीक है, now t substitute करो, i is equal to 1 upon 48, this is a log of t, t कितना आपके पास, हाँ यहाँ पे कितना था 4x raised to 12 plus 5 plus c, okay sir, okay। ठीक, इसको नोट कर लो, अगर कहीं रॉन्ग हुआ रहेगा क्रॉस चेक कर लो। ठीक है, फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11, r इज इक्वल टू यह दिया हुआ इंटीग्रेशन x रेस टू 9 6 स्क्वायर x रेस टू 10 dx, ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस हो गया, आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कर लो देन मैच करो इसको। ठीक है, वीडियो पॉज करो और मैच करो। मैं यहां पे पुट करता हूं x रेस्ट टू 10 इज इक्वल टू t बिकॉज़ का डेरिवेटिव दिख रहा है x रेस्ट टू 9 कितना होगा 9 * देयरफॉर 9 * x सॉरी कितना आएगा ये 10 * x रेस्ट टू 9 इज इक्वल टू dt / dx, तो ये x रेस्ट टू 9 dx इज इक्वल टू dt / 9 dt / 10। ओके, पुट कर दो कितना आएगा, r इज इक्वल टू ये हो गया आपके पास 6 स्क्वायर t into dt by 10। ठीक है, 1 by 10 बाहर, 1 upon 10 बाहर outside, और क्या आएगा फिर यहां पे ये
अंदर बचेगा सिर्फ sec स्क्वायर टी डी टी. sec स्क्वायर का इंडिकेशन ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है के पास 1/10 tan ऑफ टी प्लस सी, ये हो गया r is equal to, ठीक है ब्रो, जस्ट वेट वैल्यू रिटर्न पुट करना है x is equal to 10. तो देयरफॉर फाइनल आंसर r is equal to 1/10 tan ऑफ x is equal to 10 प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर. ये तो डायरेक्टली मिल गया, प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको दिख नहीं रहा था. तो ऐसे भी क्वेश्चंस रहेंगे जहां आपको मॉडिफाइड करना पड़ सकता है, डायरेक्टली डेल टू नहीं रहेगा, कुछ क्वेश्चन में डायरेक्टली डेल टू दिख जाएगा आपको, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लो, क्वेश्चन नंबर 12. r इज इक्वल टू e रेज टू 3 log ऑफ x इनटू ब्रैकेट में x रेज टू 4 प्लस 1 रेज टू माइनस 1. ओके, इंटीग्रेशन d ऑफ x. ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो. ओके, ये e रेस टू है, e रेस टू का डेल्टा तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि e रेस टू का डेल्टा भी e रेस टू खुद आता है, और ये टर्म का डेल्टा भी क्या हो सकता है, e रेस टू तो नहीं हो सकता है, ठीक है. तो अब इसमें क्या करो, इसमें थोड़ा सा रूल्स यूज करता, देखो मैं क्या करता हूं, e रेस टू इसको लिखता log of x cube, ठीक है, और यहां पे इसको नीचे ले लेता हूं, x रेस टू 4 प्लस 1 d of x. आपके पास एक फॉर्मूला होगा e रेस टू log of f of x is equal to f of x. ये एक फॉर्मूला है कि e के रेस टू में अगर log आया तो e एंड log दोनों कैंसिल हो जाता, बचता मतलब f of x. अब आपको समझा कि मैंने पावर में क्यों दी, e एंड log कैंसिल, तो आपके पास बचेगा यहां पे x क्यूब into 1 upon x रेस टू 4 plus 1 d of x. तो आई थिंक ये हो गया आपके पास x cube upon x raised to 4 plus 1 d of x. ऐसा समझ में आता है? अब तो सारा समझ आ रहा है क्या सबपुट करना है? x raised to 4 plus 1 को t पुट कर दो, उसका डेरिवेटिव कितना आएगा? x cube आने वाला, ठीक है, चलो पुट कर ले यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या एडजस्टमेंट था, ठीक है, सो तो मैं पुट करता हूँ, पुट योर x raised to 4 plus 1 is equal to t, therefore इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? 4x cube is equal to कितना आएगा? dt by dx. तो यहां x क्यूब और dx इज इक्वल टू कितना आएगा? dt by 4. चलो सब्स्टिट्यूट करें यहां पे, तो देयरफॉर मेरे पास आएगा r इज इक्वल टू इंटीग्रेशंस इज 1 अपॉन t, और यहां आएगा dt by 4. 1 by 4 बाहर, इंटीग्रेशन 1 by t इज यू log t plus c, ठीक है. रिटर्न सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या था हमारा सब्स्टिट्यूशंस, x = 4 plus 1, तो r इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 into log of कितना हो गया, x raised to 4 plus 1 plus c. थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट कर लोगे तो शायद हो सकता है आपको डायरेक्टली मिल जाए, ठीक है. चलो नोट करो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. r is equal to integration of root of your tan of x upon sin of x into cos of x d of x ऊपर tan x है, ठीक. इस क्वेश्चन में भी शायद एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज sin एंड cos का डेरिवेटिव tan नहीं हो सकता, एंड tan का टू sin cos नहीं हो सकता. अब देखो मैं एडजस्टमेंट करता हूं, क्या एडजस्टमेंट करता हूं, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर हो सकता है, तो मैं sec स्क्वायर लाने की कोशिश करता हूं. कैसे, ऊपर अंडर रूट कितना, दिस इज अ tan ऑफ x, मैं इसको नहीं हटाता, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करता. नीचे यहां पर sin of x upon cos of your x into इसको cos पर x multiply and divide by cos किया, cos से divide किया, cos से multiply किया, ये tan बन गया, और ये cos square ऊपर जाके क्या बनेगा, sec square. तो आपके पास कैसा आ गया terms, under root of your tan of your x, नीचे कितना हो गया आपके पास tan of x into यह कितना हो गया, ये sec square x dx. okay, अब ये tan x को क्या लिखोगे, root tan x into root tan x, एक root tan x का होगा cancel, तो finally कितना आएगा आपके पास, root of your, तो लिख लेता हूं मैं root tan x, नीचे कितना होगा, ये root of कितना हो गया, tan x into root of your tan of x, और ये sec square x dx, एक root tan x cancel. तो आपके पास finally integrations आ गया, अभी यहां पे क्या है integrations, is 1 upon under root of your tan of x into sec square x dx. अब तो इजी हो गया क्वेश्चंस, अब समझ आ गया सब्स्टिट्यूशन किसको करना है, अब पुट tan को, तो मैं यहां पे पुट कर लेता, पुट tan of x is equal to t,
derivative of tan x sec square x, तो therefore sec square x is equal to dt by dx, तो आपके पास आ गया sec square x dx is equal to dt, सब्स्टिट्यूट कर ले, तो r is equal to ये dt हो गया और कितना बचा 1 upon root of t dt, root t क्या लिखोगे इसको 1 upon t raised to half dt, ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन t raised to minus half dt, माइनस हाफ डीटी कितना होगा t रेस टू माइनस हाफ प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस वन प्लस c, ऐसा हमने सिंपलीफाई कर लो कितना हो गया आपके पास फाइनल आंसर देयरफॉर r इज इक्वल टू t रेस टू हाफ अपॉन t 1 डिवाइड बाय 1 बाय 2 प्लस हाफ प्लस c, शिफ्ट करो ऊपर दिस इज 1 2 ऊपर चला गया कितना होगा ये हो गया √t plus c, r is equal. Now, what about t? t is a tan x. Substitute correct tan. You have 2 into tan t of here. Kita hoga? Tan of x plus c. Root of tan x plus c. Is fine answer. So, as on, question thoda sa complicated ho raha, but try karo. Of course, integration mein adjustment bahut zyada karna padega questions mein. Theek hai? Ab adjustment rehne ke liye bahut zyada prepare rehna aapko. Theek hai? Note karo, phir next question lete. Question number 14. ठीक है, this is the 14 questions. R is equal to x minus 1d square upon दिया हुआ यहाँ पे x square plus 1d whole square dx. Okay, इस questions में देखो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग directly substitutions इसका derivative ये भी नहीं है इसका derivative ये भी नहीं हो सकता है. अब यहाँ पे एक trick देखो. अगर मैं इसको bracket open करता हूँ is x square plus 1d whole square ऊपर आएगा x square minus 2x plus 1 dx. अब इसको तो मैं ऐसे separate out करता हूँ x square plus 1 x साथ दिया minus 2x upon x square plus 1d whole square dx. Okay, इसको तो मैंने split किया x square plus 1 upon x square plus 1d whole square minus 2x upon x square plus 1 the whole square dx. ओके ठीक है दोनों के लिए सेपरेट इंटीग्रेशंस कर लेते हैं यहां से ये कैंसिल भी हो जाएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा यहां पे ये r is equal to 1 upon ये होगा x square plus 1 dx minus इसको सेपरेट करें कितना होगा 2x upon x square plus 1 the whole square dx. ये तो सॉल्व हो गया tan inverse ये फॉर्मूला है tan inverse का तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया पे ये tan inverse of x यहां पे मैं सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहा 2x upon x square plus 1d whole square dx x square जो ब्रैकेट में दिया हुआ है x square plus 1 का डेरिवेटिव 2x आएगा तो मैं x square plus 1 को t पुट किया तो ऊपर का 2x dx dt हो जाएगा ठीक है चलो ये सॉल्व हो गया अब मैं पुट अप स्टार्ट करता हूं कि सर x square plus 1 को t पुट कर कितना है इसका डेरिवेटिव देयरफॉर ये 2x इज इक्वल टू dt बाय dx तो 2x dx कितना हो गया dt ओके तो देयरफॉर आपका इंटीग्रेशन कितना आ गया यहां पे ये तो tan inverse x आ गया इस माइनस यहां आएगा 1 upon t square dt अरे 2x dx dt हो गया 1 बाय ये क्या हो गया t square ओके अब ये इंटीग्रेशन आपको आता है क्या है इसका इंटीग्रेशन ये लिख लेते हैं ओके दिस इज अ tan इनवर्स x इसके लिए पहले मैं उसको ऊपर शिफ्ट करता t रेस टू माइनस 2 dt का फार्मूला लगा सकते हो क्या है इसका इंटीग्रेशन अलजेब्रिक के फॉर्मूले से दिस इज अ tan इनवर्स ऑफ x माइनस t रेस टू माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस c तो फाइनल आंसर कितना हो गया आपके पास ये हो गया tan इनवर्स x माइनस t रेस टू माइनस 1 अपॉन माइनस 1 माइनस माइनस कितना प्लस हो गया और इसको नीचे शिफ्ट करो कितना हो गया आपके पास ये tan inverse x minus 1 by t plus e minus minus plus okay plus i now t kya tha plus x square plus 1 substitute kar do to final answer aa gaya I is equal to tan inverse x plus 1 upon x square plus 1 plus c this is the final answer as on theek hai chalo note karo fir next question lete hain ओके तो ऐसा एडजस्टमेंट करने के लिए भी हो सकता है आपको कि डायरेक्टली ना मिले बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट करना पड़े ठीक है नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद ऐसा एडजस्टमेंट आपको मिल जाएगा ठीक है सो नोट करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन 15 आर इज इक्वल टू क्वेश्चन है मेरे पास यहां पे इंटीग्रेशन 2 टाइम्स sin ऑफ x इनटू योर cos ऑफ x अपॉन 3 टाइम्स ऑफ योर cos पर x प्लस 4 टाइम्स ऑफ योर आई थिंक है sin स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ योर sin स्क्वायर x dx याद है देखो इस क्वेश्चंस में हमने cos का तो पुट किया था cos का क्या होता है 2 into cos into sin ऊपर है 2 into cos sin sin स्क्वायर को पुट किया कितना आएगा sin स्क्वायर कितना था 2 into sin into cos मतलब इन दोनों का डेरिवेटिव ऊपर है तो मैं दोनों को एक साथ पुट कर देता हूं देखो अगर पुट किया देखो आ जाएगा sin पुट 3 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x प्लस 4 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर x इज इक्वल टू t ओके क्योंकि एक को पुट किया तो एक बच जाएगा अगर मैं पूरे को पुट किया क्योंकि इन दोनों का डेरिवेटिव 2 into sin into cos आने वाला है और ऊपर है यहां पे ठीक है तो क्या है इसका डेरिवेटिव इज अ 3 into कितना आएगा इज अ 2 into योर cos ऑफ योर x एंड cos का माइनस sin ऑफ x प्लस 4 एज इट इज into कितना आएगा 2 टाइम्स sin ऑफ योर x एंड sin का कितना होगा cos ऑफ x इज इक्वल टू dt / dx ओके ये कितना हो गया माइनस 6 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स इनटू साइन ऑफ एक्स और ये कितना आ गया प्लस 8 टाइम हाउ मच साइन ऑफ योर एक्स इनटू कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू डीटी अपॉन दिस इज द डीटी बाय डीएक्स ओके ये 8 टाइम और ये माइनस 6 टाइम कितना होगा प्लस 2 टाइम 2 टाइम साइन ऑफ एक्स इनटू कॉस ऑफ एक्स डीएक्स भी शिफ्ट कर लो इज इक्वल टू डीटी शायद वही है ऊपर ओके तो पुट कर ले यहां पे तो फाइनली कितना होगा r is equal to is 1 upon t और ये होगा dt इंटीग्रेशन कितना आएगा log of t plus c ओके इंटीग्रेशन आ गया कंप्लीट नाउ रिटर्न पुट कर ले तो फाइनल आंसर r is equal to दिस इज अ log of हाउ मच 3 टाइम्स cos स्क्वायर x plus 4 टाइम्स sin स्क्वायर x plus c इज फाइनल आंसर क्लियर समझ आ गया ठीक मतलब बहुत सारे लोग स्टूडेंट क्या करते हैं इसको साइन है इसको भी साइन बनाते हैं देन साइन को टी पुट करता है या तो बहुत सारे लोग इसको कॉस बनाते हैं ये तो कॉस है फिर कॉस को पुट करते हैं ऐसा भी कर सकते हैं या डायरेक्टली पूरा पुट कर लेते हैं पूरा कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन से भी तो आ रहा है डेरिवेटिव ठीक चलो नोट करो क्वेश्चन फिर नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 r is equal to 1 upon root of your x plus cube root of x dx ओके एक क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ट्राई करते हो सॉल्व करने के लिए इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ योर x इसमें से एक x स्क्वायर बाहर आ गया कितना होगा x * root of x dx x क्यूब x स्क्वायर * x x स्क्वायर रूट से बाहर आया तो x हो गया कुछ कॉमन भी आ रहा है देखो यहां से ना root of x कॉमन कितना आ गया 1 plus x * dx याद आ समझ में ओके अब यहां पे कैसे आ रहा कहां फंस रहे हम लोग 1 plus x का डेरिवेटिव तो रूट नहीं हो सकता है रूट का डेरिवेटिव 1 plus x भी नहीं हो सकता ओके तो मैं यहां पे एक एडजस्टमेंट करता हूं क्या एडजस्टमेंट करता हूं ये रूट x है रूट x किसका डेरिवेटिव होता है रूट x का ही डेरिवेटिव होता है ओके तो मैं इसको ऐसा लिखता हूं इस 1 upon अंडर रूट ऑफ x 1 plus इसको लिखता हूं रूट ऑफ x का स्क्वायर अब ध्यान से root of x का स्क्वायर x ही होता है तो मैं x को क्या लिखा root of x अगर मैं इस root x को t पुट किया तो उसका डेरिवेटिव आएगा 1 upon 2 root x और अपने अपने पास 1 upon root x है 2 एक्स्ट्रा आ रहा है शिफ्ट करेंगे यहां पर ठीक है आ रहा कौन सा में ठीक है चलो पुट करें फिर यहां पे तो पुट root of x is equal to t देयरफॉर इसका डेरिवेटिव 1 upon 2 root x is equal to dt by dx तो ये हो गया 1 upon root of x dx and 2 shift कर दिया 2 dt ऐसा हो गया चलो put up करें मतलब ये वाला root x t हो गया ये 1 by root x dx क्या हो जाएगा dt तो r is equal to integration में कितना आएगा 1 upon 1 plus ये t square root x कितना t तो t square और यहां आएगा 2 dt अब आपको समझ में आ गया साथ ये तो tan inverse हो गया ठीक है तो यहां से ये 2 बाहर 1 upon 1 plus t square dt ये हो गया 2 times tan inverse of t ठीक है this is the tan inverse of t plus c are equal to okay and what about t t is a root x
तो फाइनल आंसर इतना आ गया आपके पास, आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टैन इनवर्स ऑफ रूट एक्स प्लस, ऐसा है ठीक है। तो ऐसा भी एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है आपको, ठीक है, अगर आप सब्स्टिट्यूशन से करना चाहते हो तो, ये अदर मेथड से भी होता है सॉल्व, बट सब्स्टिट्यूशन से अगर करना चाहो तो ऐसा करना पड़ेगा आपको। डेरिवेटिव नहीं है तो ट्राई करो बनाओ ऐसा टर्म की डेरिवेटिव अवेलेबल हो जाए, ठीक है, नोट करो उसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ओके, r इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना दिया 10 इंटू एक्स रेस टू 9 प्लस 10 रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ 10 अपॉन, नीचे दिया हुआ आपके पास 10 रेस टू एक्स प्लस एक्स रेस टू 10 d ऑफ x, ठीक है, ओके। ऐसे क्वेश्चंस में अब देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 10 रेस टू x का डेरिवेटिव कितना होगा, 10 रेस टू x इनटू log 10 यहां पे, x रेस टू 10 का 10 इनटू x रेस टू 9 ये, मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डायरेक्टली न्यूमरेटर में दिया हुआ है। अब यहां डिनोमिनेटर को t पुट करो, ऐसा कर सकते हो, अदरवाइज मेरे पास एक स्टैंडर्ड फार्मूला डायरेक्टली भी कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है मुझे पता है, सच दैट इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x dx इज इक्वल टू होता है log ऑफ f ऑफ x, ठीक है, मैंने एक्सरसाइज 3.1 में बताया हुआ है ये। अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में रहे तो डायरेक्टली आप क्या लिखोगे, log ऑफ डिनोमिनेटर log ऑफ f ऑफ x, सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, मैंने बोला सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते आप। अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर डायरेक्टली न्यूमरेटर में रह जाए, ठीक है, कोई भी टर्म में कोई भी चेंजेस नहीं आया, एज इट इज है यहां पे, या स्मॉल चेंजेस करके भी आ जाता, तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते, जरूरत नहीं है सब्स्टिट्यूशन करने के लिए। तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू कितना होगा ये, लॉग ऑफ 10 रेस टू, दिस इज क्या, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर 10 रेस टू एक्स एंड एक्स रेस टू 10, सब्स्टिट्यूशन करोगे तो भी वही आएगा, पुट करोगे क्या होगा, ये ऊपर का dt बन जाएगा, 1 अपॉन t बचा, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन कितना होगा, log of t होता है, एंड log of t यहां पे भी क्या होगा, बट t पुट करोगे ये आंसर आएगा, ठीक है। तो अब एक शॉर्टकट यूज कर लो, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऐसा नहीं है, शॉर्टकट ट्रिक यूज कर रहे हैं हम लोग, चलो ऐसा होना यहां पे, ठीक है, तो नोट करो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इजी था, बहुत जल्दी खत्म हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चंस, r इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऊपर दिया x रेस टू n माइनस 1 अपॉन अंडर रूट, यहां दिया आपके पास 1 प्लस 4 x रेस टू n dx, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में डेरिवेटिव डायरेक्टली गिवन है, क्या है लिखो यहां पे, 1 का डेरिवेटिव 0 4 इनटू x रेस टू n का डेरिवेटिव, 4 को छोड़ दो, x रेस टू n का डेरिवेटिव x रेस टू n माइनस 1 आने वाला ऊपर दिया है, तो हमें पुट किसको करना चाहिए, ये वाले टर्म को डी पुट करना चाहिए, ठीक है, चलो पुट करो यहां पे, पुट 1 प्लस 4 इंटू एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू डी, देयरफॉर डेरिवेटिव 0 प्लस 4 इंटू एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1, और यहां कितना आएगा डी टी बाय डी एक्स, ओके, मुझे ये 4 एन नहीं चाहिए तो इसको इधर शिफ्ट करता हूं, तो एक्स रेस टू एन माइनस 1 डी एक्स यहां आ गया, और आपके पास क्या है डी टी बाय 4 एन आ गया यहां तक, नाउ पुट करो इसमें, तो पुट करने के बाद आपका इंडिकेशन क्या है, ये लिखो आर इज इक्वल टू ऊपर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ टी, और यहां आ गया आपके पास डी टी बाय 4n, ओके, आर सॉल्व इट, ऐसे टर्म को पुट करो जिसका डेरिवेटिव है, ठीक है, 90% क्वेश्चन मिल जाएंगे जहां पे क्वेश्चन देख के समझ आएगा, इसको पुट कर लो तो ये डेरिवेटिव टर्म है यहां पे, ठीक है, और ये डेरिवेटिव टर्म dx के साथ मल्टीप्लाई में रिमूव हो जाएगा dt के साथ, ठीक है, चलो कितना आ गया यहां पे ये, देयरफॉर आर इज इक्वल टू इसको लिखो t रेस टू हाफ, ऊपर गया कितना होगा t रेस टू माइनस हाफ, तो कितना होगा ये t रेस टू माइनस 1 बाय 2 dt, और ये 4n को मैं बाहर निकाल लेता हूं, 1 अपॉन 4n आउटसाइड, तो कितना होगा ये 1 अपॉन 4n t रेस टू माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c, ठीक है, कितना होगा ये 1 अपॉन 4n t रेस टू कितना होगा ये हाफ अपॉन योर हाफ, ठीक है, ये भी हो गया 1 बाय 2, 1 बाय 2 पर शिफ्ट के लिए कितना आ गया 2 अपॉन 4 है, एंड ये हो गया रूट ऑफ t, कैंसिल कर ले कितना हो गया 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ n रूट ऑफ योर t प्लस c, चलने दो साथ में, ठीक है, एंड t का वैल्यू कितना है t t t ये रहा t, सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, तो ये हो गया 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ n अंडर रूट, हाउ मच
1 plus 4 x raised to n plus c. This is r equal to. ऐसा नहीं आता? ठीक है, simple substitutions. Note करो इसको. Next directly question number 3. बीच के question question number on type 2 में करेंगे इसको. ठीक है? Question number 3 दिया हुआ. R is equal to x square upon under root of this is a 9 minus x raised to 6 dx. पिछले क्वेश्चन में जो छोड़ा उसका टेंशन मत लो, हम उसको लास्ट में करेंगे, टाइप 2 में करेंगे क्वेश्चंस. अभी हम कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें डायरेक्टली डेरिवेटिव मिल जाता है. ठीक है, टाइप 2 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें डेरिवेटिव नहीं मिलता है, फिर भी हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे. ठीक है, अब इस क्वेश्चंस में आपको क्लिक हो रहा है अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं, इज योर x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 9 माइनस x क्यूब का स्क्वायर d ऑफ x. x क्यूब का रूट कितना है, x स्क्वायर आएगा, ऊपर है x स्क्वायर. ठीक है, जो तो पुट कर ले इसको, हम पुट योर x क्यूब इज इक्वल टू t, कितना आ रहा, थ्राइस ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू dt बाय dx. मेरे पास कितना है, x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt बाय 3. हो गया यहां तक? नाउ सब्स्टिट्यूट करें यहां पे, तो देयरफॉर मुझे मिल गया r इज इक्वल टू ऊपर 1 और यहां आ गया dt बाय 3, सॉरी 2 नहीं, कितना 3, अंडर रूट में आ गया 9 माइनस टी स्क्वायर. ठीक है, 9 माइनस दिस इज अंडर रूट 9 माइनस टी स्क्वायर. ठीक है, 1 बाय 3 आउटसाइड इज 1 अपॉन अंडर रूट इज 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डीटी. ठीक है, ये एक्चुअली एक फॉर्मूला है जो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, नोट करो एक फॉर्मूला के पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट a square minus x square dx is a sine inverse of x by a. ठीक है, plus c. ठीक, ये एक formula है. ठीक, अभी के लिए as a formula prepare करो, ये next section में मिलेगा ही आपको. तो ये कितना हो गया, 1 by 3 into sine inverse of कितना आएगा, t by 3 plus c. x के ऊपर t है यहाँ पे. ठीक, ये formula भी है और integration का एक theorem भी है जो exam में पूछा जाता है maximum. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे use कर ले, हो गया solve integrations. What about t? T कितना है पास? T is a x cube. तो answer कितना आगा? 1 upon 3 into sine inverse of x cube divided by 3 plus c. R is equal to t. क्या था? Derivative available था. आपको बस ढूंढना था. आपका just देखने का तरीका अगर अच्छा रहे, नजरिया अच्छा रहे कि हाँ सर कौन से टर्म का derivative हो सकता है या मैं बना सकता हूँ, तो question easily solve हो जाएगा. चलो ऐसा में आता है. ठीक, note करो उसको. Next question number 25. R is equal to integration of 1 upon x into log of x into log of x d of x. बहुत ही easy question है ये. ठीक है, आप खुद ही कर सकते हो सर. ठीक, आप solve करो, बाद में match कर लेना इससे. ठीक है, मैं यहाँ पे put कर लेता हूँ log of log x को t. तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, log 1 upon log of x into 1 upon x is equal to dt by dx. मेरे पास है जगह है. ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हैं, x into log x dx is equal to dt. आगे नहीं, 1 upon x log x dx कितना होगा, dt हो जाएगा. तो I is equal to कितना हो गया क्वेश्चन से, I is equal to यह 1 upon t and dt which is nothing but log of t plus c. बहुत सारे log हो गए यहाँ पे, तो कितना होगा log of, and t कितना है, log of log x. तो log के अंदर log of your x plus c, this is the final answer. लिखने का तरीका ऐसा रहेगा, log of मेरा t and t कितना था, log of log x. ठीक है, question number यहाँ 1 complete हो गया but type 1 finish नहीं हुआ है. अब डायरेक्टली कहां पे जाओगे, क्वेश्चन नंबर 2 में. पहले नोट किया इसको, समझ में आ गया, ये बहुत इजी क्वेश्चन था. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 2 में जाते हैं. 2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके कहां तक, 9 तक, 1 टू 9 ये टाइप 1 में नहीं आता, वो टाइप 2 या टाइप 3 में आता है. डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं. ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करो, सेकंड क्वेश्चन लो यहां पे, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 का 10th क्वेश्चन, 10 क्यों लिया मैंने इसी के साथ, बिकॉज ये हमारे टाइप 1 कैटेगरी से मैच कर रहा है. ओके, क्या दिया पे, r is equal to integration of cos of your 8x,
cos raised to 8x into cot of x dx. ओके अब ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्यों दिया है, थोड़ा सा इसमें सबट्रैक्शन लेंदी रहेगा, इंटीग्रेशन लेंदी हो सकता है. ओके यहां पे भी डायरेक्ट नहीं होगा, cos का डेरिवेटिव cot नहीं हो सकता, cot का डेरिवेटिव cos नहीं हो सकता है. ठीक है मैं क्या करता हूं, cos का डेरिवेटिव sin हो सकता है, तो मैं यहां पे sin लाने की कोशिश करता हूं. ये होगा cos ऑफ cos raised to 8x into, इसको लिखता हूं यहां पे कितना हो सकता है ये cos ऑफ x upon your sin ऑफ x dx. कितना आ गया आपके पास यहां पे, ये हो गया आपके पास cos raised to 9 of x upon sin of your x dx. ओके cos का डेरिवेटिव sin होता है, बट वो sin dx के साथ इंटो में चाहिए, डिवाइड में sin आ गया, मेरे किसी काम का नहीं फिर. अरे समझ में. ओके अब मैं क्या करता हूं, ये sin ऊपर चाहिए तो ठीक है ऊपर लेके आता हूं. मैं कैसे लेके आता हूं यहां पे cos raised to 9x, नीचे sin से मल्टीप्लाई ऊपर भी sin से मल्टीप्लाई, तो ये नीचे कितना होगा sin स्क्वायर x और यहां कितना लिख दिया sin of x dx. ये साइन मेरे काम का हो गया भी, क्योंकि मुझे साइन कहां से था, ऊपर से ही था. याद रखो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जो डेरिवेटिव टर्म हमेशा dx के साथ मल्टीप्लाई में चाहिए. प्रीवियस क्वेश्चन में 1 upon x log x क्या था, dx के साथ मल्टीप्लाई में. आ रहे समझ में. ठीक है अब प्रॉब्लम क्या है, यहां पे ये साइन एक्स्ट्रा आ गया, मैं साइन को cos बना सकता हूं. ठीक है तो ये कितना हो गया आपके पास cos raised to 9x, और नीचे क्या लिख सकता हूं 1 minus cos square x, और ये था आएगा sin of x dx. अब मैं cos को t पुट करूंगा तो ये पूरा टर्म t में आ जाएगा. ठीक है और ये dt से रिप्लेस हो जाएगा. अब सब्स्टिट्यूशन आपको यहां तक समझ आ चुका है. ठीक है चलो तो पुट करें, पुट cos of your x is equal to t, क्या आएगा सर टू माइनस sin of your x is equal to dt by dx, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ योर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये साइन मैं यहां शिफ्ट कर देता हूं. ठीक है चलो पुट करें यहां पे, तो देयरफॉर मेरे पास आ गया आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहां आएगा टी रेस टू 9 1 माइनस टी स्क्वायर, टी रेस टू 9 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहां आ गया माइनस डी टी. ओके इसमें से माइनस साइन बाहर निकालो और ये माइनस साइन कैंसिल कर लेता हूं, तो मेरे पास कितना आ गया यहां पे टी रेस टू 9 माइनस साइन बाहर निकलता है, ये माइनस वन और ये प्लस टी हो जाएगा, तो टी स्क्वायर माइनस वन और ये डी टी दोनों माइनस साइन कैंसिल हो गया. ओके ऐसा क्यों किया, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन पर्पस. ओके ना अब ऐसे इंटीग्रेशन को हमने इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन ऐसा एक लेक्चर्स मैंने इंट्रोड्यूस इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ. ठीक है ओके जब भी पावर न्यूमरेटर का पावर ज्यादा हो जाए डिनोमिनेटर से तो एक्चुअल डिवीजन करते हैं. ठीक है मैं इसे क्वेश्चन नंबर 1 डाल देता हूं, एक्चुअल डिवीजन आपको आता है कैसे करना है, यहां पे t रेस टू 9 को डिवाइड किससे करना है t स्क्वायर माइनस 1 से. ठीक है क्या है होमोस्टन t रेस टू 9 को t रेस टू 7 ले लो यहां से तो कितना होगा t रेस टू योर 9 माइनस t रेस टू 7. ओके मुझे t रेस टू 9 चाहिए, किससे मल्टीप्लाई करोगे t रेस टू 7 से, तो t रेस टू 7 यहां लिखो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं यहां पे. ओके माइनस प्लस कैंसिल कितना आ गया t रेस टू 7. अब मुझे क्या चाहिए t रेस टू 7 को डिवाइड करना है, किससे मल्टीप्लाई करो इसको t रेस टू होमस t रेस टू 5. ओके तो t रेस टू 5 ऊपर लिखो यहां पे. ठीक है और यहां t रेस टू 5 से मल्टीप्लाई कितना होगा t रेस टू 7 माइनस t रेस टू 5 सेपरेट करें माइनस प्लस ऑफ कोर्स ये कैंसिल कितना आपके पास t रेस टू 5 बच गया. अब t रेस टू 5 को डिवाइड करना है, किससे मल्टीप्लाई करोगे इसको t रेस टू 3 से, तो t रेस टू 3 ले लो यहां पे, तो ये होगा t रेस टू 3 माइनस कितना आएगा सर t रेस टू 5 और यहां कितना होगा ये t रेस टू 3 सेपरेट ये माइनस प्लस कैंसिल कितना है पास t रेस टू 3 आ गया. चलो या तो समझ में. ओके ना अब कितनी बार आएगा t रेस टू 3 से मल्टीप्लाई किससे करोगे t रेस टू t से कर देता हूं. ठीक है तो कितना आएगा यहां पे ये प्लस t से, तो कितना होगा ये t रेस टू 3 माइनस t सब्ट्रैक्ट करो ये कितना आएगा माइनस ये प्लस कैंसल यहां सब कैंसल हो रहा है ये. ठीक है कितना बच रहा है टी, ये हो गया आपके पास रिमाइंडर, यहां ये कोशेंट और ये हो गया आपके पास डिवाइजर. सो समझ में. तो फाइनली इंटीग्रेशन कितना होगा आई इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट करो यहां पे ध्यान से देखो कितना आएगा कोशेंट कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर डी ऑफ एक्स. ठीक है और dx नहीं कितना है पास dt है ना ये dt.
तो देयरफॉर आ गया इंडिकेशन r इज इक्वल टू कितना आपके पास ये t रेस टू 7 प्लस t रेस टू 5 प्लस t रेस टू 3 प्लस t प्लस रिमाइंडर कितना है t है तो t अपॉन हमारे पास आ गया इसके पास t स्क्वायर माइनस 1 dt ओके अब कुछ नहीं सबका सेपरेट सेपरेट इंडिकेशन आंसर ठीक ओके चलो सर आपने ये नोट कर लिया रहेगा मैं इसको रफ कर लेता हूं यहां पे चलो यहां तो सम है ठीक नोट करो इसको पहले क्या नोट किया चलो आगे का स्टेप मैं यहां नोट करता हूं नोट नहीं कह रहे तो वीडियो पॉज करके नोट करो तो सेपरेट इंडिकेशंस r इज इक्वल टू पहले t रेस टू 7 का t रेस टू योर 9 अपॉन 9 ठीक है प्लस t रेस टू 8 डिवाइडेड बाय 8 दूसरे का t रेस टू 6 अपॉन 6 नेक्स्ट t रेस टू कितना आएगा 4 अपॉन 4 प्लस t का t स्क्वायर बाय 2 नेक्स्ट 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 का नहीं आएगा तो छोड़ता है इसको is t upon t square minus 1 dt ओके इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 2t आएगा ऊपर 2t ले लेता हूं तो ये आपके पास सॉल्व हो चुका है t रेस टू 8 upon 8 plus t रेस टू 6 upon 6 t रेस टू 4 upon 4 plus t square upon 2 यहां पे 1 by 2 और ऊपर 2t लेता हूं डायरेक्टली फार्मूला सबट्रैक्शन करो लेंथी की खींचो मैं इसको ठीक है डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में रहे तो कितना होता है log ऑफ डिनोमिनेटर होता है ठीक है मैं फार्मूला यूज करूंगा t स्क्वायर माइनस 1 dt ओके यहां पे फार्मूला यूज करो कौन सा फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ योर f डैश ऑफ योर x अपॉन f ऑफ x dx इज इक्वल टू log ऑफ f ऑफ x ठीक है तो ये क्या होगा t स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2t है यहां पे तो डायरेक्टली क्या होगा log ऑफ डिनोमिनेटर्स तो कितना होगा ये t रेस टू 8 अपॉन 8 प्लस t रेस टू 6 अपॉन 6 प्लस t रेस टू 4 अपॉन 4 प्लस t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कितना 1 अपॉन 2 इनटू log ऑफ हाउ मच t स्क्वायर माइनस 1 प्लस c हो गया सॉल्व कंप्लीट नाउ क्या था t t हमारा cos था तो फाइनल आंसर कितना आएगा यहां पे ये cos रेस टू 8x अपॉन 8 प्लस कितना आएगा cos रेस टू 6x अपॉन 6 cos रेस टू 4x upon 4 plus cos square x upon 2 and plus 1 upon 2 यहां कितना आएगा log of ये होगा cos square x minus 1 plus c this is the final answer okay question थोड़ा सा लेंदी था इसलिए सब question पर 2 में डाला ये exam में 4 marks के लिए ऐसे questions आते हैं ठीक है so मैं यहां था ठीक है note करो pause करके properly video को notes करो then हम आते हैं next question Now, question number 11, I is equal to 10 raised to how much 5 of your x dx. Okay, अब ये 10 raised to 5x दिया, single term दिया हुआ है, ठीक है, अब single term दिया तो substitutions कैसे करें, दिमाग में question आता है, ठीक है, इसी को break करता हूँ मैं, okay, this is a 10 raised to how much, लेता है यहाँ पे 10 raised to 3x into 10 square x dx, ऐसे क्यों ब्रेक किया बिकॉज tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है sec स्क्वायर कब आएगा जब क्वेश्चन में tan स्क्वायर है ठीक है तो मैं लिखता हूं यहां पे tan क्यूब into tan स्क्वायर और ये tan ऑफ क्यूब एज इट इज tan स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं यहां पे sec स्क्वायर x minus 1 d ऑफ x आइडेंटिटी 1 plus tan स्क्वायर is equal to sec स्क्वायर होता है ओके अब मुझे tan क्यूब के साथ सिर्फ sec स्क्वायर चाहिए ये 1 भी आ गया ठीक है ब्रैकेट ओपन कर लेता हूं is a tan cube of x into कितना होगा 6 square x minus ये tan cube x आ गया dx ओके इसकी तो जोड़ी बन गई कि tan को t पुट किया तो उसका डेरिवेटिव 6 square होके निकल जाएगा dx के साथ में बट ये tan बच गया तो जैसे इस tan के साथ किया था इसको भी ब्रेक करने की कोशिश करता हूं कैसे ब्रेक करता हूं देखो यहां पे इसको लिखता है यहां पे दिस इज अ tan क्यूब ऑफ x into ये 6 square x ये तो नहीं कुछ करना है या दैट इज या इसको लिखता है यहां पे tan of x into tan square x d of x tan square आ गया tan square फिर से क्या बन जाएगा sec square बन जाएगा इसका भी फिर से पैर बन जाएगा तो कितना हो गया क्वेश्चंस में इज इंटीग्रेशन ये tan cube x into sec square x आ दैट इज माइनस यह आएगा आपके पास tan x into ब्रैकेट में sec square x minus 1 d of x आ दैट इज
ये ब्रैकेट ओपन कर दो, कितना आ गया आपके पास, ये दिस इज टैन क्यूब एक्स इंटू योर सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टैन ऑफ योर एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टैन ऑफ योर एक्स डी ऑफ एक्स। अब इस दो क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चंस, इसका सेपरेशन हो सकता है, इसके लिए सेपरेशन हो सकता है, इसका तो डायरेक्टली फॉर्मूला होगा टैन का, ठीक है चलो ब्रेक कर लो यहां पे। तो ये हो गया आई इज इक्वल टू टैन क्यूब ऑफ एक्स इंटू योर सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस, इसके लिए सेपरेट इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस, यहां पर भी लिखो टैन ऑफ एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ योर टैन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, ठीक है इन दोनों में सब्स्टिट्यूशन और यहां डायरेक्टली, ठीक है चलो यहां क्या पुट करूंगा मैं, पुट टैन ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, देयरफॉर कितना होगा सेक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स, तो आपके पास कितना आ गया सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, पुट कर ले क्वेश्चन में, तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे ये टी क्यूब एंड डी टी बन गया माइनस, यहां पर ये हो गया टी डी टी, यहां सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है, ये तो होता है log of your कितना होता है sec of x, log of your log of sec of x plus c, ठीक है ये फॉर्मूला लिख दिया और यहां सब्स्टिट्यूशन कर दिया, आपको इंडिकेशन ये आता है r is equal कितना होगा t raise to 4 by 4 minus t square by 2 minus ये log of how much, ये माइनस माइनस यहां प्लस हो जाएगा, तो इसको प्लस कर दो, ठीक है बाय मिस्टेक प्लस, तो कितना होगा log of ये हो गया आपके पास sec of x plus c, हो गया सब्स्टिट्यूशंस सॉल्व हो गया यहां पे, नाउ री सब्स्टिट्यूट कर ले, क्या था यहां पे t t इज और tan, तो फाइनल आंसर आ गया I is equal to tan raised to 4 x upon 4 minus this is a tan square x upon 2 plus log of your sec of x plus c as it is, this is the final answer। तो जब भी tan का पावर मोर देन tan स्क्वायर tan क्यूब समथिंग अगर आ गया तो आप हमेशा ऐसे करोगे, पावर मोर देन वन रहेगा, ये आपके लिए एक यूनिक क्वेश्चन रहेगा कि sin स्क्वायर cos स्क्वायर जो 6 के 6 टर्म्स है अगर पावर मोर देन 1 होना स्टार्ट होगा तो किस कुछ इस तरह से करोगे, tan स्क्वायर के केस में ऐसे ही करना है, हमेशा tan स्क्वायर लोगे उसको लिखोगे sec स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट ओपन करो फिर से tan स्क्वायर लोगे फिर से sec स्क्वायर माइनस 1 का ब्रैकेट ओपन करते जाओ, ठीक है जब फाइनली लास्ट में सिंपल टैन बस गया, ठीक है तो इंटीग्रेशन पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है नाउ सब्स्टिट्यूशन कर लेना, ठीक है क्लियर हुआ, नोट करो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 r = इंटीग्रेशन cos रस टू 7 ऑफ x dx, ओके अभी cos रस टू 7 हो गया, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था टैन रस टू था सिंगल टर्म्स, अब cos आ गया तो cos का डेरिवेटिव तो sin होता है तो ये थोड़ा इजी हो जाता है, मैं यहां पे sin लाने की कोशिश करता हूं या sin cos को कॉम्बिनेशन आता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं यहां पे cos of cos raised to 6x into cos of x dx, अब ये cos को मैं क्या लिख सकता हूं कुछ ऐसा cos square x d cube into your cos of x dx, अब ये sin बन जाएगा, sin का डेरिवेटिव cos होता है आपके पास cos आ गया, ठीक है तो इसको लिखता हूं कितना आ रहा है यहां पे ये 1 minus sin square x d raise to 3 और ये कितना होगा cos of your x dx, अब तो इजी सब्स्टिट्यूशंस हो गए, ठीक है चलो पुट कर दे यहां पे, पुट योर sin of your x is equal to t देयरफॉर कितना आएगा ये cos of x dt by dx, तो यहां से आपके पास आ गया cos x dx is equal to dt, सब्स्टिट्यूट कर दो ना इंटीग्रेशन सिंपल हो जाएगा, क्या है यहां पे दिस इज r is equal to 1 minus t square, 1 minus t square the cube, और ये हो गया sec dt, अब ये एक सिंपल सा ब्रैकेट है, ब्रैकेट ओपन करके इंटीग्रेट कर लेते हैं, चलो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 1 minus कितना आगा 3 into t square plus 3 into your कितना आगा t raise to 4 plus t raise square का कितना आगा raise to 3 means t raise to 6 and this is dt, अरे यह तो कौन सा है ना ब्रैकेट ओपन किया a क्यूब थ्राइस ऑफ a स्क्वायर b प्लस थ्राइस ऑफ कितना होगा a b स्क्वायर यहां पे क्या आएगा प्लस माइनस प्लस तो यहां क्या होगा प्लस माइनस एंड b क्यूब ठीक है मैंने यूज क्या किया यहां पे यूज किया a माइनस b d क्यूब ये फॉर्मूला यूज किया है कौन सा है ठीक है अब आपको इंटीग्रेशन लेने आता 1 का इंटीग्रेशन t -3 *
टी रेस टू 3/3, इसका इंटीग्रेशन 3 इंटू टी रेस टू 5/5 माइनस टी रेस टू 7/7 प्लस सी, ओके इंटीग्रेट ना। अब वैल्यू पुट कर दो, क्या है यहाँ पे वैल्यूज, क्या पुट किया था हमने, साइन, तो कितना हो गया ये आर इज इक्वल टू, ये हो गया साइन एक्स माइनस ये 3 कैंसल, साइन क्यूब ऑफ एक्स प्लस कितना होगा 3/5 साइन रेस टू 5x माइनस साइन रेस टू 7/7 प्लस सी, वही यहाँ पे सॉल्व। ठीक है, ये टैन से थोड़ा इजी था, ठीक है, टैन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, यहाँ पे साइन का डायरेक्टली कॉस में कन्वर्जन इजी हो जाता है। ठीक है, चलो नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, आर इज इक्वल टू इज टैन ऑफ 3x इनटू टैन ऑफ 2x इनटू टैन ऑफ योर एक्स डीएक्स। एक्चुअली ये क्वेश्चन यहां दिया हुआ है, ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन नहीं है, ये डायरेक्टली सॉल्व होता है। ठीक है, जब टैन मल्टीप्लीकेशन में मुझे इंटीग्रेट करने हैं तो इंटीग्रेट में सेपरेटली नहीं कर सकता, जस्ट कंसिडर करो अगर यही टैन एडिशन में आ जाए तो इंटीग्रेट कर सकते हो। एक्सरसाइज 2.3.1 में मैंने ऐसा क्वेश्चन किया जिसमें साइन एंड कॉस मल्टीप्लिकेशन में था, या साइन एंड साइन मल्टीप्लिकेशन है तो आपके पास फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला है कि उनको ब्रेक कर लो एंड सेपरेट इंटीग्रेशन कर सकते हो, बट यहाँ पर टैन के लिए नहीं है। ओके, तो मेरे पास एक प्री कैलकुलो, इसमें जो हाईएस्ट एंगल कितना है 3x है, इन दो एंगल का यह सम है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं कंसिडर करो मेरे पास कितना है, लेट कंसिडर टैन ऑफ माय थर्ड 2x प्लस x इज इक्वल टू, या फिर टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला कितना होता है, tan of a मतलब 2x प्लस कितना होगा ये tan of b means x upon कितना 1 minus कितना होता है tan of how much 2x into your x। ठीक, अब क्या लोगे इन दोनों का सम ये है तो कैसे लिख सकता हूं मैं tan of 2x plus x is equal to, ये फॉर्मूला लगा सकता हूं, ये तो tan 3x हो गया। ठीक है, tan 3x is equal to कितना हो गया plus tan of your 2x plus your tan of x upon 1 minus tan of your 2x into tan of your x। okay, यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मैं इसका वैल्यू निकाल सकता हूं, क्या है देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इसके साथ मल्टीप्लाई थी कितना आएगा ये tan of 3x माइनस कितना आएगा आपके पास tan of your 3x into tan of 2x into tan of your x is equal to, क्या बचा आपके पास यहां पे tan 2x plus tan of x, ये दो टर्म्स यहां शिफ्ट करो नहीं मल्टीप्लिकेशन का राइट में शिफ्ट कर लेता हूं। ठीक है, तो कितना हो गया आपके पास यहां पे, तो फाइनली आ गया आपके पास यहां पे tan of 3x minus tan of 2x minus tan of your x। ठीक है, और ये टर्म राइट में शिफ्ट करो कितना आ गया ये tan of 3x into tan of 2x into tan of x। ठीक, अब इसका वैल्यूज कितना है tan 3x minus tan 2x minus tan of x, अब मैं क्वेश्चन में रिप्लेस कर सकता हूं। ठीक है, अब ये वाला जो टर्म्स है इसको चलो ट्राई करता हूं मैं इसको रिप्लेस करने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन कितना हो जाएगा r is equal to इंटीग्रेशन ये कितना हो गया आपके पास, हां कितना आपके पास ये tan 3x minus tan of 2x minus tan of your x d of x। ये वाला क्वेश्चन हमने मैथ्स 1 में ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ किया हुआ है। ठीक है, ये प्रूफ वाले क्वेश्चंस, ये जो दिया हुआ है ये प्रूफ है ट्रिग्नोमेट्रिक में, आई थिंक थर्ड चैप्टर्स में है ये सब प्रूफ। ठीक, चलो यह तो समझ आ गया। ओके, अब बस इसका इंटीग्रेशन तो आपको आता ही है, क्या है इसका इंटीग्रेशन tan का इंटीग्रेशन log of, ठीक है कितना आएगा log of sec of 3x into derivative of angle 3 minus इसका भी कितना आएगा log of your sec of कितना होता है 2x divided by derivative of angle कितना है 2 last minus कितना है यहां पे इसका आएगा log of your sec of x plus c। ठीक है, this is r equal to, ठीक है ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन नहीं था यहाँ पे दिया था, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये,
ठीक है, कि अगर tan मल्टीप्लीकेशन में आ गया तो ढूंढना ऐसा हो सकता है कि दो एंगल का एडिशन तीसरा है, तो ये फॉर्मेट से सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद ये जो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म है इसके इक्विवेलेंट क्या मिल जाएगा आपका, एडिशन एंड सबट्रैक्शन फॉर्मेट मिल जाएगा। तो बाद में जो एडिशन सबट्रैक्शन फॉर्मेट आएगा उसको सब्स्टिट्यूट कर दो क्वेश्चन में एंड देन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो आया समझ में, नोट करो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, r is equal to sin raised to 5 of x into cos raised to 8 of x dx। ओके, यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन सोचेंगे तो ओनली हम सोचेंगे कि साइन को रेड टू पुट, साइन को पुट करें तो साइन रेड टू कॉस होता, बट हमारे पास कॉस रेस टू एट है। अगर कॉस को पुट करने गए तो कॉस का रेड टू साइन आएगा, बट हमारे पास साइन रेस टू फाइव है। ठीक है, तो अब साइन को पुट करेंगे तो मेरे पास क्या होना चाहिए, कॉस होना चाहिए, या कॉस को पुट किया तो ओनली साइन होना चाहिए। तो हम इसी तरह से एडजस्टमेंट करते हैं कि मेरे पास ओनली साइन बचे नॉट साइन रेस टू समथिंग, या ओनली कॉस बचे नॉट कॉट रेस टू समथिंग। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या करता हूं, इसको लिखता हूं साइन ऑफ एक्स और यहां पे साइन रेस टू फोर एक्स इंटू कॉस रेस टू एट एक्स डी एक्स। अब अगर ये साइन स्क्वायर बन गया तो साइन स्क्वायर कितना होता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर, मतलब ये पूरा टर्म कॉस का हो जाएगा और सिंगल साइन बचेगा, तो सो दैट मैं कॉस को पुट कर सकता हूं टी। ठीक है, तो यह इतना है, ये साइन ऑफ योर एक्स एज इट इज, दिस इज साइन स्क्वायर ऑफ डी स्क्वायर एंड कॉस रेस टू एट ऑफ एक्स डी एक्स। ये हो गया साइन ऑफ एक्स, ये हो गया वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर इंटू कॉस रेस टू एट एक्स डी एक्स। अब मैं कॉस को टी पुट करूंगा तो ये पूरा टर्म टी में जाएगा एंड साइन डी एक्स क्या बन जाएगा, डी टी। चलो पुट करें फिर, यहां पे पुट साइन ऑफ योर एक्स इज इक्वल टू टी, तो डेरिवेटिव कितना आएगा इसका, देयरफॉर कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स, एंड मुझे मिल गया कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। आया था समझ में, ठीक है ना। तो आर इज इक्वल टू, ये साइन एक्स डी एक्स डी टी हो गया, अंदर कितना बचा आपके पास, वन माइनस टी स्क्वायर डी स्क्वायर बाहर टी रेस टू एट एंड डी टी। समझ आया था, ओके। अब यहाँ पे अभी तो सिंपल इंटीग्रेशन हो गया, ब्रैकेट ओपन करो इंटीग्रेट कर लो। ठीक है, चलो पहले ये ब्रैकेट ओपन करता हूं, वन माइनस ट्वाइस ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी रेस टू फोर एंड बाहर टी रेस टू एट डी टी, ए माइनस बी इक्वल्स वन। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर ले, और कितना होगा, टी रेस टू एट माइनस टू इंटू टी रेस टू टेन प्लस टी रेस टू ट्वेल्व एंड दिस इज डी ऑफ टी। अदर ब्रैकेट ओपन कर ले सबको ना, तो इंटीग्रेशन कितना होगा, t रेस टू 9 बाय 9 माइनस 2 इंटू टी रेस टू 11 बाय 11 प्लस टी रेस टू 13 डिवाइड बाय 13 प्लस c। ओके, इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट करते हैं, t का वैल्यू रिटर्न क्या था, क्या था, d sin, तो यहां पुट करता हूं, r इज इक्वल टू दिस इज sin रेस टू 9 नॉट नॉट 11 9 ऑफ x डिवाइड बाय 9 माइनस 2 by 11 sin में लेता हूं sin raise to 11 x plus this is a sin raise to 13 of x divided by 13 plus c। हो गया सब, ओके, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, बस मुझे पुट किसको करना, मैं एक टर्म को पुट करूंगा तो उसका डेरिवेटिव नहीं है, एग्जैक्टली नहीं है, तो एग्जैक्टली लाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अब आपके दिमाग में आ रहा है कभी, सर आपने cos को क्यों नहीं किया, sin को किया आपने, मैं कॉस को सेपरेट करूंगा तो कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर, बट सिंगल कॉस नहीं मिलेगा यहाँ पे, बिकॉज कॉस रेस टू 8 है, इवन पावर है ना, और ये ऑड पावर इसमें से एक निकालो क्या होगा, इवन पावर बचेगा, और इवन पावर क्या होगा, स्क्वायर का स्क्वायर बना के आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, समझ में, नोट करो इस क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आर इज इक्वल टू यह दिया हुआ इंटीग्रेशन 3 रेस टू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन ऑफ योर 2x dx। ओके, हाँ ये तो इजी दिख रहा क्वेश्चन, सीधा सीधा दिख रहा है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर का रेड टू कितना होता है, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एंड 2 इंटू साइन एक्स कॉस साइन 2x, तो सीधा सीधा है, तो पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो पुट योर cos square x is equal to 2, therefore differentiation 2 times cos of x, बाद में cos का कितना आएगा, minus sin of x dt by dx, okay, minus 2 times sin of x into cos of x dx भी shift कर दो, is equal to dt, इसको क्या लिख सकते हैं, sin 2x, तो ये हो गया sin of your 2x dx minus sin, वहां shift कर दो minus dt, substitute कर ले यहाँ पे, क्या आएगा substitutions, r is equal to
ये हो गया थ्योरेटिकली और ये पूरा टर्म कितना होगा माइनस डीटी, ठीक है, माइनस साइन बाहर निकालो, माइनस आउटसाइड और अंदर कितना हो जाएगा 3t एंड dt, क्लियर। इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो आपको इसका इंटीग्रेशन आता है 3t अपॉन कितना आएगा log of 3 प्लस c, ऐसा हमें ठीक है। ये हो गया इंटीग्रेशन कंप्लीट, रिटर्न कर दे वैल्यूज का, वैल्यूज क्या था यहां पे, हमने पुट किया था cos स्क्वायर को, तो देयरफॉर फाइनल आंसर r इज इक्वल टू माइनस 3 raised to cos square of your x upon log of 3 plus c, clear? Note for this question. Question number 17, r is equal to integration of your sine of your x into cos cube of x upon 1 plus cos square x dx. इस क्वेश्चन पे इजी है सबट्रैक्शंस, यहां देखो cos स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, cos स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x * 2sin x * cos x, और यहां पे मेरे पास कितना है, यहां पे sin x * cos x है मेरे पास, इसको मैं ऐसे ब्रेक कर लेता हूं, sin ऑफ योर x * cos ऑफ x * cos स्क्वायर x अपॉन 1 plus cos ऑफ x dx, ऐसा कर सकते हो, या दूसरा ऑप्शन है आप सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली भी कर सकते हो, cos का डेरिवेटिव कितना होता है डेरिवेटिव ऑफ cos sin x है आपके पास sin x, यहां से भी कर सकते हैं, ठीक है, तो x ऑफ गिवन पे लगाते हैं हम डायरेक्टली कर लेते हैं, चलो मैं डायरेक्टली पुट करें यहां पे, पुट cos ऑफ x इज इक्वल टू t, तो कितना आएगा माइनस sin ऑफ योर x इज इक्वल टू dt / dx, ओके, तो दिस इज द sin ऑफ योर x dx इज इक्वल टू dt, ओके, तो क्या आएगा इंटीग्रेशन के पास, ये sin x dx मान कितना हो गया माइनस dt माइनस sin x, ठीक है, तो ये हो गया आपके पास ऊपर आया t क्यूब अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर एंड माइनस dt, क्लियर ऐसा होता है, ओके मैं एडजस्टमेंट करके पुट करूंगा बट डायरेक्टली मिल रहा था क्यों एडजस्टमेंट करना है यहां पे, ठीक है, तो cos t स्क्वायर हो गया, यहां cos क्यूब कितना होगा t क्यूब हो गया, और ये sin x dx कितना हो गया माइनस dt, ठीक है, माइनस साइन में बाहर शिफ्ट कर दो कितना आ गया टाइप t क्यूब डिवाइड बाय 1 प्लस योर t स्क्वायर d, क्लियर नाउ, अब इस ये आपके पास रैशनल फंक्शंस हो गया, रैशनल फंक्शन में पावर अगर ऊपर ज्यादा रहे और नीचे पावर क्या है स्मॉल है लेसर है तो हम क्या करते हैं एक्चुअल डिविजंस, ठीक है, तो कर ले यहां पे क्वेश्चंस याद रखो, जब भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में अलजेब्रिक इक्वेशन मींस पॉलीनोमियल इक्वेशन दिया ऊपर है नीचे मतलब वी कैन से रैशनल फंक्शंस पावर ग्रेटर है तो डिवीजन करना कितना करोगे t क्यूब को डिवाइड करो किससे यहां पे 1 plus t इसको को मैं लिखता हूं यहां पे t स्क्वायर प्लस में आपको लाना है क्या t क्यूब चाहिए मल्टीप्लाई किससे करोगे t से कितना आएगा ये t क्यूब प्लस t अपॉन सॉरी माइनस दैट्स सेपरेट माइनस माइनस ये कैंसिल कितना आ गया माइनस t आ गया तो क्वेश्चन आया आपके पास t रिमाइंडर भी है आपके पास t एंड डिवाइजर कितना है आपका t स्क्वायर प्लस 1 नया इंटीग्रेशन क्या होता है आपका I is equal to minus and bar quotient plus remainder upon divisor. ये format है लिखने का. Actual division होने के बाद आपको फिर से इसको function indication में डालना है. तो इस तरह से लिखो. तो मेरे पास कितना आएगा minus quotient कितना है t minus t upon ये कितना हो गया आपके पास t square plus 1 dt. Okay, separate indication minus t dt. यह minus minus plus t upon t square plus 1 dt समझ में आता ओके अब यह सब्स्टिट्यूशन ये तो हो गया t square by 2 हो जाएगा इसका अब सब्स्टिट्यूशन करो या डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर एडजस्ट कर लेते हैं क्या अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव t square plus 1 का डेरिवेटिव 2t तो मैं ऊपर 2 एंड बाहर 1 by 2 डायरेक्टली आंसर इज माइनस t square by 2 और यहां कितना आ गया 1 by 2 into log of t square plus 1 plus c यहां कौन सा फार्मूला यूज किया हमने इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन योर f ऑफ x dfx इज इक्वल टू log ऑफ f ऑफ x होता है ये फार्मूला यूज किया मैंने अरे कौन सा सब्स्टिट्यूशन करने में टाइम वेस्ट होगा हमारा डायरेक्टली ले सकता हूं मैं ठीक है हो गया इंटीग्रेशन कंप्लीट तो नाउ फाइनली वैल्यू रिटर्न सब्स्टिट्यूट कर ले क्या था हमारे पास cos था तो ये कितना होगा माइनस cos स्क्वायर t अपॉन t upon 2 plus is 1 upon 2 into log of कितना हो गया ये cos square t
ठीक है, तो टाइप वन क्वेश्चंस हमने फिनिश कर लिया, फिर से अब क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करेंगे। चलो ये क्लियर हो गया था, ठीक है। नाउ ये क्लियर होने के बाद अब हम क्या करेंगे, टाइप टू क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। टाइप टू क्वेश्चन के लिए मैं फिर से स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर वन से, जो हमने क्वेश्चन बीच बीच में छोड़ दिया है वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। टाइप टू होने के बाद फिर से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर वन एंड टू, सारे क्रॉस चेक करेंगे कौन से क्वेश्चन छूट गए, इसको टाइप थ्री से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका नोट कर लो पहले, फिर टाइप टू स्टार्ट करते हैं। चलो अब टाइप टू स्टार्ट करते हैं। टाइप टू से रिलेटेड सिर्फ चार ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन में 19, 20, 21 एंड 22, ये चार क्वेश्चन है जो टाइप टू से रिलेटेड है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हम लोग क्वेश्चन नंबर वन का 19 क्वेश्चन। आर इज इक्वल टू, यह दिया हुआ ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वन इनटू अंडर रूट ऑफ योर एक्स प्लस टू डी ऑफ एक्स। एक्चुअली ये अलजेब्रिक फंक्शन के क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में यह होता है सब डेरिवेटिव नहीं अवेलेबल होता। टाइप टू में मैंने क्यों रखा है, बिकॉज यहाँ डेरिवेटिव नहीं अवेलेबल है। x प्लस टू का डेरिवेटिव 2x प्लस 1 नहीं हो सकता, एंड 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव रूट नहीं हो सकता, तो सॉल्व कैसे करें। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है, अगर ये रूट की जगह पे सिर्फ रूट एक्स होता था, ठीक है, तो रूट एक्स को क्या करते हैं, अगर ऐसा हो गया क्वेश्चन, आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, एंड क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा। बट ये प्लस टू की वजह से क्या हो रहा है, सॉल्व नहीं हो रहे क्वेश्चन, ठीक है, तो इसकी वजह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसी को टी पुट कर लेंगे, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू टी। ओके, अराउंड समय क्यों नहीं किया मैंने, बिकॉज अगर ये एक्स प्लस टू है तो इसे मल्टीप्लाई होगा 2x इंटू अंडर रूट ऑफ 2x, एक्स प्लस टू आएगा, एंड 2x इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस टू का इंडिकेशन नहीं हो सकता। अगर ओनली एक्स होता था तो एक्सेस टू हाफ यहां पे गया, एक्सेस टू 3/2 और यहां पे एक्सेस टू हाफ इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है, मतलब हमें ये रूट प्रॉब्लम कर रहा, तो रूट के अंदर जो लिखा हुआ उसको टी पुट कर लो, ठीक है, जो इसकी वजह से आपका सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा है उसके अंदर के टर्म को टी पुट कर लेना। आया समझ आता। ओके, अब डिफरेंशिएट करो, एक्स का कितना 1 हो जाएगा, 1 का 2 का 0 एंड यहां आएगा dt/dx। अब ये पास कितना होगा, यहां आएगा dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट करें, I is equal to integration, अब 2x plus 1 पूरा टर्म t में होना चाहिए, तो मेरे पास x plus 2 t है, therefore मैं बोल सकता हूं यहां से बड़ा बड़ा x is equal to t minus 2, to the shift कर दिए। चलो अब पुट करें यहां पे कितना होगा, 2 into t minus 2 plus 1, ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट, एंड सेकंड ब्रैकेट कितना होगा, रूट ऑफ t, एंड dx कितना आ गया मेरे पास, dt आ गया। अब सर ये इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर सकते हो, पूरा ब्रैकेट ओपन किया, कितना ट्वाइस ऑफ टी माइनस 4 प्लस 1 और यहां पे रूट ऑफ टी डी ऑफ टी, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन में आएगा आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी माइनस 3 इंटू टी रेस टू हाफ लिखता है एंड डी टी। अब सर ब्रैकेट ओपन करो, टर्म सेपरेट हो जा रहा है, इंटीग्रेशन कर सकते हो, कितना हो गया 2, ये हो गया 2 into t raise to 3/2 minus 3 into t raise to half and dt, इसके साथ मल्टीप्लाई है, इसके साथ ही मल्टीप्लाई है, ऐसा में ओके चलो सेपरेट कर ले, यहां से तुरंत क्या लिखो डायरेक्टली 2 into इसका इंटीग्रेशन t raise to 3/2 plus 1 upon 3/2 plus 1 minus 3 as it is, इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया, t raise to half plus 1 upon half plus 1 plus c। ओके, ये कितना हो गया 2 इंटू टी रेस टू 5/2 अपॉन 5/2 माइनस 3 इंटू टी रेस टू 3/2 अपॉन 3/2। ओके, 2 ऊपर ले गया कितना हो गया, ये 4 डिवाइड बाय 5 एंड टी रेस टू 5/2 प्लस सी। ओके, माइनस ये ऊपर गया कितना हो गया, ये 3 से कैंसिल, कितना हो गया आपके पास 2 इंटू टी रेस टू 3/2 प्लस सी। ओके, इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया। ओके, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड यहां पे आपको और भी हेल्प करता है, जरूरी नहीं कि डेरिवेटिव रहे तो पुट करो। आपको लग रहा है कि अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इंटीग्रेशन सिंपल हो सकता है, मेरा ब्रैकेट जो प्रॉब्लम दे रहा था रूट वो अगर सॉल्व हो जाए तो आप सब्स्टिट्यूशंस कर सकते हो, ठीक है। चलो रिटर्न पुट कर दो वैल्यू टी का, कितना है टी का वैल्यू, x plus 2, तो दिस इज अ 4 डिवाइड बाय 5 into x plus 2 raise to 5/2 minus 2 into x plus 2 raise to 3/2 plus c, हो गया सॉल्व, ठीक है। तो ये एक्चुअली बेसिक के क्वेश्चन था, बट बेसिक क्वेश्चंस में सॉल्व नहीं हो रहा था इसलिए हमने सब्स्टिट्यूशंस यूज कर लिया, ठीक है, सॉल्व में, ठीक है, नोट करो उसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20,
r is equal to integration x raised to 5 into under root a square plus x square d of x. ठीक है, इस क्वेश्चन में अगेन बाहर का जो ये टर्म्स है x raised to 5 ये रूट में मल्टीप्लाई नहीं हो सकता और रूट के अंदर x square आएगा तो मैं इंटीग्रेट भी नहीं कर सकता. ठीक है, तो मैं अगेन वही कहता हूं कि पुट a square plus x square is equal to t. ठीक है, तो ये सिर्फ रूट टी हो जाएगा और इसके साथ इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, तो डेरिवेटिव कितना आएगा यहां पे, a स्क्वायर 0 हो गया, x स्क्वायर का कितना 2x और ये आएगा dt by dx. तो आपके पास आ गया x dx is equal to dt by 2. अभी बस x dx आ गया, यहां पे x is to 5 है, इसमें से x बाहर निकाल लेता हूं. तो पहले इसको रीअरेंज कर लेता हूं क्वेश्चंस इंटीग्रेशन से, ये x is to 4 और ये x is to x square into x square into under root of your a square plus x square और यहाँ का x मैं एक ही हल लेता हूँ dx. अब ये हो गया, देखो dt by 2 ये x square तो यहाँ से मैं और क्या बोल सकता हूँ कि सर x square कितना आएगा t minus a square. अरे कौन सा मैं मतलब ये तो replace हो रहा है, बाकी टर्म कैसे replace करो, तो इस यहाँ से equation में से x square निकाल लिया था. अब मैं x नहीं निकाला, x square निकाला because मुझे x square substitute करना है. तो कितना हो जाएगा ये इंटीग्रेशन, यहां आएगा आपके पास t माइनस ए स्क्वायर इंटू टी माइनस ए स्क्वायर और ये कितना होगा रूट ऑफ t इंटू होगा ये डी टी बाई टू. ऐसा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन. ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये होगा t माइनस ए द होल स्क्वायर. ठीक है, तो आपके पास आ गया ये r इज इक्वल टू t माइनस ए द होल स्क्वायर. ओके, और t माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर द होल स्क्वायर into root of t. okay, and dt by 2 का यहाँ पे dt and 1 by 2 मैं इसका बाहर निकाल देता हूँ. ठीक है, बस बोले इस bracket open करो and integrate. कितना आएगा 1 upon 2, ये हो गया t square minus कितना हो गया आपके पास twice of a square t and then कितना आएगा plus a raised to 4 into बाहर t raised to half and dt and that is a minus b the whole square. ठीक है, तो ये हो गया 1 by 2 ब्रैकेट अंदर ला, कितना आ गया यहाँ पे t raise to 2 प्लस कितना होगा half minus twice of a square into t raise to कितना आएगा ये 1 plus half plus a raise to 4 into कितना आएगा t raise to half dt. ओके, आज समझ में डायरेक्टली ट्राई स्टेप t square into t raise to half बेस सेम पावर ऐड हो गया. ठीक है, सिमिलरली हियर एंड सिमिलरली हियर आल्सो. ओके, तो ये हो गया आपके पास 1 by 2 t raise to how much 5 by 2 minus twice of a square t raise to 3 by 2 plus a raise to 4 t raise to half dt. अब कर सकते हैं इंटीग्रेशन. ठीक है, तो कितना आएगा ये 1 by 2 ये हो गया t raise to 7 by 2 upon 7 by 2 minus twice of a square constant as it is t raise to कितना होगा 5 by 2 upon 5 by 2 plus a raise to 4 as it is t raise to half का t raise to 3 by 2 upon 3 by 2 plus c. वही क्या, मैंने पावर प्लस 1 किया, 5 by 2 plus 1 7 by 2 हो जाएगा. ठीक है, इसको सिंपलीफाई कर ले, इस 1 by 2 कितना होगा ये आपके पास 2 divide by 7 t raise to 7 by 2 minus ये ऊपर गया कितना होगा आपके पास 4 a square by 5 into t raise to 5 by 2 यहाँ पे 2 ऊपर गया कितना होगा 2 by 3 into a raise to 4 t raise to 3 by 2 plus c. ठीक है, बाहर ब्रैकेट आया प्लीज. ओके, इंटीग्रेट सॉल्व हो गया यहाँ पे. ठीक है, नाउ a रेस टू 4. ठीक है, नाउ ओके, तो यहां तक क्लियर हो, हाँ ये साइन प्लस साइन है. ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ. अब बस क्या करोगे, मेरे पास स्पेस नहीं है तो पुट कर लो t का वैल्यू कितना था आपके पास ये, इसको सब्स्टिट्यूट कर लो. कितना आएगा r इज इक्वल टू 1 बाय 2 ब्रैकेट ओपन कर लो, ये कितना आएगा 1 बाय 7 हो जाएगा और यहां कितना है आपके पास ये हो गया a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेस्ट टू 7 बाय 2. अंदर क्या कितना होगा माइनस 2 a स्क्वायर बाय 5 और t कितना आपके पास है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेस्ट टू 5 बाय 2 माइनस ये भी कैंसिल 1 बाय 3 इनटू a रेस्ट टू 4 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस c. दिस इज फाइनल आंसर 3 बाय 2. क्लियर? ओके, 1 बाय 2 मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लाई किया. ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन करने से बाहर का टर्म कैंसिल हो गया. ठीक है, अब यहां तक क्लिक हो रहा है. ठीक है कि हाँ, इसका रेस्ट टू 3 बाय 2 ये भी सुधा है. ओके, तो सब्स्टिट्यूशंस करके आ रहा है
कि क्वेश्चंस जहां पे ब्रैकेट नहीं ओपन हो रहा था उस टर्म को आपने टी पुट किया और टर्म क्या हो गया, सिंगल टर्म हो गया, बाकी टर्म से मल्टीप्लाई इजीली हो जा रहा है। आर अपॉन सम ठीक, नोट करो इस क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5 माइनस 3x इनटू 2 माइनस 3x रेस टू 1/2 माइनस 1/2 dx। ओके, इस क्वेश्चन में भी आपको क्लिक हो जा रहा है। अब क्या करना चाहिए, किसको सब्स्टिट्यूट करोगे, ये टर्म को पुट करोगे 2x-3, बिकॉज ये ब्रैकेट तो ओपन हो जाएगा बट ये ब्रैकेट ओपन नहीं हो पा रहा है। ठीक, तो पुट कर ले यहां पे 2-3x is equal to t, therefore derivative कितना आएगा इसका, 0 इसका -3, यहां पे आएगा dt/dx -3dx is इतना हो गया dt, तो dx इक्वल टू कितना हो गया dt/3 माइनस है। शिफ्ट क्यों करा, बिकॉज मेरे पास यहां पे 3dx तो नहीं है। ठीक है, चलो पुट करो, तो इंटीग्रेशन कैसा दिखेगा आपके पास, इंटीग्रेशन 5-3x का वैल्यू कितना आएगा, मतलब इसे तो आपने 3x शिफ्ट कर दो, 2-t = 3x। ठीक है, ये इस साइड लेके आओ और ये इस साइड लेके आओ, कितना होगा 2-t = 3x। ओके, तो पुट करो यहां पे, तो 5-3x, 3x ना 2-t, ओके ब्रैकेट, और ये हो गया आपके पास t रेस टू हाउ मच -1/2, और dx कितना हो गया -dt/3। हो गया सब क्वेश्चंस, बस ब्रैकेट ओपन करना है, इसका -1/3 बाहर निकल लो यहां पे, दिस इज -1/3 आउटसाइड, ये हो गया 5-2+t इनटू t रेस टू -1/2 dt, ऐसा है यहां पे। ठीक ना, तो फाइनल इंटीग्रेशन आ गया 1/3 -1/3, ये हो गया ब्रैकेट में 5-2 = 3, 3+t इनटू t रेस टू -1/2 dt। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर ले, -1/3 कितना आ गया, ये 3t - -1/2 प्लस t रेस टू कितना आएगा 1-1/2, ओके एंड b ऑफ t प्लस -1/3 कितना हो रहा है, ये 3t - -1/2 एज इट इज -1/2, और यहां कितना हो गया प्लस t रेस टू +1/2 प्लस इनटू dt, सॉरी ओके। अब इंटीग्रेशन -1/3 कितना आ गया, ये इसका इंटीग्रेशन 3 इनटू t रेस टू -1/2 + 1, नीचे -1/2 + 1 प्लस इसका t रेस टू ½ + 1 अपॉन ½ + 1 एंड प्लस c। ओके, इंटीग्रेशंस नाउ सिंपलीफाई कर ले, -1/3 इनटू 3 इनटू t रेस टू ½, t रेस टू नीचे ½ आएगा, ऊपर कितना आएगा, ये t रेस टू 3/2 अपॉन 3/2, ब्रैकेट ओपन कर ले एंड सब में शिफ्ट भी कर ले, इसका ये 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो कितना आपके पास यहाँ पे -1/2 t^2 ओके 1/2 t कितना आएगा 2 टाइम्स, यहाँ पे ये ऊपर का 3/2 and 3 कैंसिल, -2 t^3/2। ठीक है, चलो ऐसा होना था ना, अब बस वैल्यूज पुट कर दो, क्या आपके पास वैल्यूज, t इज अ 2-3x, तो यहाँ पे r इक्वल टू -2 टाइम हम 2-3x^2 -2 × 2-3x^3/2 प्लस c अपॉन दैट इज क्लियर। चलो सॉल्व ना द क्वेश्चंस, ठीक है, तो सिंपल ओनली सब्स्टिट्यूशंस ही करना था, सब्स्टिट्यूशंस करो यहां पे, जो ब्रैकेट जिस जो ब्रैकेट ओपन नहीं होगा, ऐसा कोई ब्रैकेट रहेगा जो ओपन नहीं हो रहा, उसके अंदर के t को क्या करो, उसके अंदर के टर्म को t पुट कर देना, क्लियर। ठीक, नोट करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, r is equal to 7 4x + 5x² upon twice of x plus 3 raised to 3/2 d(x). ओके, अभी इस क्वेश्चन में आपको हमें सब्स्टिट्यूट क्या करना पड़ेगा 2x + 3, बिकॉज यही ब्रैकेट क्या कर रहा, कॉम्प्लिकेट कर रहा है, अगर ये सिंगल टर्म बन जाए तो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो पुट करें यहाँ पे, पुट ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू टी, तो डेरिवेटिव कितना आएगा इसका 2 आएगा प्लस 0, यहां आ गया dt/dx 2dx is equal to dt। ठीक है, चलो सब्स्टिट्यूट करें, अब ये तो t हो जाएगा, अब यहां पुट करने के लिए x चाहिए, तो यहां से x निकलता है, तो और x कितना आएगा, पहले क्या होगा t-3 हो जाएगा, शिफ्ट किया ÷ 2, तो x is equal to t-3/2, चलो पुट करें, therefore r is equal to integration 7 plus
7 plus 4 into t minus 3 divided by 2 plus 5 into t minus 3 divided by 2 का स्क्वायर अपॉन ये हो गया t raise to 3 by 2 d of 2. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन दिख रहा है बट आप क्या कर सकते हो इसको सिंपलीफाई करो. ठीक है तो सिंपलीफाई करोगे तो क्या होगा इजी हो जाएगा. यहां से dt by 2 आएगा. ठीक है dx को भी शिफ्ट कर दो dt by 2 तो यहां आ गया dt by 2. ठीक है ना इस 1 upon 2 चलो ब्रैकेट ओपन करें यहां पे ये हो गया 7 यहां से 2 कैंसिल 2 into t minus 3 plus 5 ये क्या होगा 5 by क्या 4 आएगा 4 बाहर रहता है 5 divided by 4 t minus 3 का स्क्वायर और नीचे कितना होगा t raise to 3 by 2 d of t. ओके बहुत ही केयरफुली ब्रैकेट ओपन करने की कोशिश करो. ठीक है अगर एक भी टर्म मिस हो गया तो क्या होगा फाइनल आंसर हम आएगा ऊपर आया 7 प्लस कितना होगा ये 2t माइनस 6 प्लस यहां पे ये 5 by 4 as it is ब्रैकेट ओपन किया कितना होगा t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9 डिवाइड बाय हम t रेस टू 3 by 2 तो ये ऐसा चलता रहेगा. क्लियर ओके और ब्रैकेट ओपन करें यहां से 1 by 2 इंटीग्रेशन ये 7 माइनस 6 1 हो गया प्लस 2t as it is यहां पे ब्रैकेट ओपन करता हूं 5 by 4 t स्क्वायर यहां किया कितना होगा 5 by 4 into 6 2 से कैंसिल कितना होगा यहां पे ये 5 into 3 कितना 15 divided by 2 of t प्लस ये आएगा 45 divided by 4 upon t raise to 3 by 2 d of t as it is. समझ में आता है ओके अब इसको और कंबाइन करो पहले और क्या कंबाइन कर सकते हो इज योर 1 by 2 1 प्लस 45 बाय 4 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 49 बाय 4 ना 2t प्लस 15 कितना होगा ये आएगा आपके पास दिस इज अ 2 मतलब माइनस 11 बाय 2t लास्ट प्लस 5 बाय 4t स्क्वायर अपॉन t रेस टू 3 बाय 2 dt एज इट इज. ठीक है अब इसको स्प्लिट कर लेता हूं 1 बाय 2 49 बाय 4 अपॉन t रेस टू 3 बाय 2 माइनस 11 बाय t 11 by 2 upon 11 by 2 t into t raise to 3 by 2 plus 5 by 4 into t square upon t raise to 3 by 2 dt. ओके आगे आपको कंबाइन करने आता है क्या करोगे यूज करोगे लॉ ऑफ इंडेसेस यूज कर लो. अब क्या होगा यहां पे ठीक है इस 1 by 2 into ये 49 by 4 t raise to minus 3 by 2 यहां पे क्या आएगा माइनस 1 माइनस 3 बाय 2 1 माइनस 3 बाय 2 कितना होगा ये 11 बाय 2 इनटू t रेस टू हाफ. ठीक है 2 माइनस 11 कितना आएगा ये आपके पास आएगा 1 माइनस हाफ. ठीक है 1 माइनस 3 बाय 2 सॉरी तो 1 माइनस 3 बाय 2 कितना होगा आपके पास माइनस हाफ हो गया. ठीक है ये वाला कितना होगा 5 डिवाइड बाय 4 तो ये हो जाएगा आपका 4 मींस क्या होगा t रेस टू हाफ प्लस c. ठीक है सॉरी प्लस सी या इंटीग्रेशन डीटी बाकी है तो सिंपलीफाई कर लिया जाता. ओके अब ईच एंड एवरी टर्म का इंटीग्रेशन करने आपको आता है. ठीक है पहले इतना नोट करो फिर मैं आगे इसे इंटीग्रेट कर लेता हूं. नोट किया नोट करो नोट करो यहां कर लिया ना. ठीक है ना अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं सेपरेटली तो कितना आएगा ये r is equal पहला 1 by 2 into 49 by 4 t raise to कितना आएगा minus half कितना आएगा आपके पास is a minus half upon minus half plus sorry minus is 11 by 2 तो 11 by 2 as it is t raise to minus half का t raise to plus half divided by plus half power plus 1 divided by power plus 1. ठीक है plus 5 divided by 4 t रेस टू कितना होगा ये 3 by 2 upon 3 by 2 plus c. ओके इंटीग्रेशन कंप्लीट प्रॉपर वे से लिख लेता आप ये 1 by 2 ऊपर जाएगा और ये कितना आएगा 4 तो ये 1 by 2 ऊपर गया यहां से 2 कैंसिल और अंदर ले लो कितना आएगा ये 49 by 2 minus t रेस टू minus half यहां पे 2 ऊपर गया कितना होगा ये 11 into t रेस टू half और ये 2 अंदर आएगा 11 by 2. ठीक है नेक्स्ट ये ऊपर गया कैंसिल हो जाएगा कितना होगा दिस इज अ प्लस 5 डिवाइड बाय कितना होगा इज 12
into t raise to 3 by 2 plus c. तू अंदर लेके आओ और ये 3 by 2 ऊपर, तो एक 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5 by 4 ही आएगा into 3, कितना हो गया आपका 5 by 12, ठीक है, चलो, clear, या तो समझ में, यहाँ भी 49 by 4 ही आएगा, ठीक है, clear, ना, अब इंटीग्रेशन फिक्स हो गया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, कितना आपके पास ये minus 49 by 4 and t का वैल्यूज कितना था आपके पास, t का वैल्यूज आपने देखो नोट किया रहेगा, चेक करो कितना था 2x plus 3, तो यहां पुट करता हूं ये 2x plus 3 raised to minus half minus 11 by 2 2x plus 3 raised to half plus 5 by 12 into 2x plus 3 raised to 3 by 2 plus c. ओके, क्वेश्चन सिंपल था, बस था क्या हमें कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट या लेंथी क्वेश्चंस हो गया था, ठीक है, तो यहां पे ये टाइप 2 क्वेश्चन फिनिश होता है, टाइप 2 में चार क्वेश्चन थे, हमने इसमें क्या सीखा, डायरेक्ट तो नहीं भी है बट कोई एक ब्रैकेट है आपको लग रहा कॉम्प्लिकेट, उस ब्रैकेट की वजह से सॉल्व नहीं हो रहे क्वेश्चन, उस ब्रैकेट के अंदर के टर्म को टी पुट कर दो तो पूरा ब्रैकेट सिंगल टर्म से रिप्लेस हो जाएगा, क्लियर, समझ में आता है, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 1 में एक क्वेश्चन मिस हो गया था, जो क्वेश्चन नंबर टाइप 1 का एक क्वेश्चन था, देख लो सभी, ठीक, ये नोट, क्वेश्चन नंबर 24 I is equal to 1 upon integration x into x cube minus 1 dx. ओके, ये जो प्रीवियस क्वेश्चन था टाइप 1 का क्वेश्चन था जो मिस हो गया मुझसे, ठीक है, तो इसको कर लेते फिर से, इस क्वेश्चन में यहां पे आप एक एडजस्टमेंट करो x into x cube minus 1, ऊपर कुछ भी नहीं है तो सबट्रैक्शन तो कर ही नहीं सकते, मैं यहां पे क्या करता हूं 1 minus x cube plus x cube करता हूं d of x, ये डिनोमिनेटर ऊपर एडजस्ट करने की कोशिश करता हूं, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1 minus x cube x साथ दिया divide by x into x cube minus 1, अब मैंने क्यों किया ऐसे, because नीचे x cube minus 1 है, ऊपर try करता x cube minus 1 आने के लिए, तो minus x cube plus x cube no change, question remains है, okay, now अब इसको split कर दो x cube minus 1 और ये कितना आएगा x cube divide by x into x cube minus 1, okay, d of x, अभी cancellations नहीं हो पाएगा because 1 minus x cube ये x cube minus 1, bracket में minus sign common निकाल देता, तो कितना है माइनस ऑफ x cube minus 1 अपॉन कितना होगा x into x cube minus 1 dx, इसके लिए सेपरेट इंटीग्रेशन और यहां क्या करता हूं ये एक x कैंसिल, कितना आ गया प्लस x square डिवाइड बाय x cube minus 1 dx, सो यहां तो समझ में कुछ नहीं किया, x cube plus minus किया, ये टर्म मैंने यहां पे ऐड सेपरेट है इसलिए किया था, अब इसको स्प्लिट कर लिया, ओके, अब ये वाला भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास फाइनली कितना आ गया, यहां आ गया मेरे पास नेक्स्ट टर्म में पहले इंटीग्रेशन में आ गया माइनस साइन बाहर 1 अपॉन x dx, सेकंड इंटीग्रेशन में प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाय x क्यूब माइनस 1 d ऑफ x, ओके, इसका इंटीग्रेशन लॉग हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन भी लॉग हो सकता है बिकॉज़ x क्यूब माइनस 1 का डेरिवेटिव कितना होता है 3x स्क्वायर होता है, ऊपर x स्क्वायर है, मैं 3 एडजस्ट कर लेता हूं 1 बाय 3, ठीक है, क्या यूज किया हमने फॉर्मूला, कौन सा यूज किया, इंटीग्रेशन ऑफ योर f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x dx इज इक्वल टू log ऑफ f ऑफ x, ये फॉर्मूला यूज करो, ठीक है, तो ये हो गया माइनस log ऑफ x और यहां कितना आ गया आपके पास 1 बाय 3 इनटू कितना होगा ये log ऑफ x क्यूब माइनस 1 प्लस दिस इज r इक्वल टू, ओके, ये सब्स्टिट्यूशन का ही क्वेश्चन है, मैं सब्स्टिट्यूशन से बचने के लिए हमेशा ये फॉर्मूला यूज करता हूं जहां पे सिंपल सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है, नहीं तो आप क्या करोगे यहां पे x क्यूब माइनस 1 को t पुट करो देन सॉल्व हो जाएगा 1 बाय t आने वाला है, तो अगर सिंपल सब्स्टिट्यूशन है तो मैं इतने लेंथी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन में नहीं जाऊंगा, द सिंपल था अगर ये फॉर्मूले से मेजर आप मैच कर रहा है तो सब्स्टिट्यूशन मत तो यूज करो ये फॉर्मूला यूज कर लेना, ठीक है, टाइप 2 फिनिश हो गया, टाइप 1 फिनिश हो गया, टाइप 2 फिनिश हो गया, टाइप 3 थोड़ा बहुत ही ज्यादा डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस होता है, ठीक है, पहले ये नोट कर लो फिर हम टाइप 3 स्टार्ट करते हैं, चलो नोट डाउन।